वो गौतम भाई मुझे टीवी पे देख रहे हैं, पुलकित भाई टीवी पे देख रहे हैं, इनके साथ इनके तो साथ जाना एक दिन पॉडकास्ट। तो शनि का आधा पैसा उन्होंने ले लिया, पूरा की पूरा आधा, 50% पूरा उनको गया। बॉम्बे में कोई मानता नहीं कोई एक्टर एक्टर कुछ नहीं, कोई नहीं। स्कूल में बहुत बुली हुआ हूँ मैं, बहुत ज्यादा। पहला ही जो मेरा अवार्ड था वो कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स का ही था, वही वो फिर तब तो मजाक उड़ाते ही थे बच्चे भी स्कूल में, तो फिर उसके बाद जब सीजन 2 में मैं सिलेक्ट हो गया फिर बोलती बंद हो गई, दोस्त बन गए होंगे। करेक्ट करेक्ट, काफी ज्यादा सपोर्ट मुझे सोनाली मैम ने किया था। अच्छा, क्योंकि साजिद खान तो हमेशा ही थोड़ा उल्टा रहा है, देखो आपकी भाषा में बोलूं, मेरी आज तक कोई चेली नहीं रही है, मैं एनसी चेली थी। तो चेला होगा कोई? अरे यार फिर ये मैं सच बोलू, ये वाला रूप, ये जो बातें हुई ये आज तक कहीं होने नहीं गई है, कहीं नहीं हुई ना, कहीं नहीं हुई, एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जिसका नाम है पॉडकास्ट अड्डा विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव, प्रेजेंट्स बाय नित्यार्णा फार्म्स, टेस्ट द ट्रेडिशन। तो आज के हमारे गेस्ट है पॉडकास्ट में पहला ही कोई ऐसा बच्चा आया है जो अंडर 18 पहला बच्चा आया, तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं, चलिए बचपन से शुरुआत करते हैं। अरे वाह, चलो कहाँ से हो वैसे आप? मैं हूँ भोपाल मध्य प्रदेश इटारसी से। भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब भोपाल से बेसिकली इटारसी दूर है, इटारसी किसी को पता नहीं होता है, इसलिए मतलब 8th-9th तक वहीं किया है। फिर उसके बाद बॉम्बे में जब मैंने पहला शो किया, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया फिर यहाँ बॉम्बे में, पहले घर भी नहीं था। शो से पूछेंगे, पहले की बात करते हैं, बचपन स्कूल की लाइफ, मेरा वही 8th-9th तक वहीं शूट किया। स्कूल लाइफ कैसी थी? अच्छी थी, मजेदार थी, नॉर्मल बच्चे की जैसे चल रही थी। अच्छा, पता नहीं था कि आगे ऐसा कुछ होगा, नॉर्मल। वैसे स्कूल में मैं नेशनल प्लेयर था स्केटिंग में, तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद वो करियर में जाने वाला हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन बनने वाला हूँ, पर डेस्टिनी कहाँ लिखी होती किसको क्या पता। सही बात है। तो उस टाइम पे पढ़ाई में कैसा था? ठीक था पढ़ाई में? हाँ, मतलब 5th तक अच्छा था, फिर उसके बाद थोड़ा बस्ती में डिस्ट्रैक्शन ऐसी वाली, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं, वो वाली मतलब स्कूल टाइम में यार सबके होते हैं। हाँ वही नेचुरल है, ना हो तो गलत है, होनी जरूरी है। वैसे वैसे था बचपन में, होता है ना सबका छोटा बोटा, ये लड़की मुझे देखो, जो नए नए हार्मोन जो आते हैं, आप टीम में घुसते हो, टीनेज में घुसते हो, वो तो होता ही है। अच्छा एक चीज और, क्रश उस एज में कोई क्लास की लड़की थी, टीचर था? अरे भाई टीचर टीचर वाला नहीं पड़ा होता है, ये मम्मी से भी तो डरता है। मेरी मम्मी सब देखने वाली है, शनि महाराज ये कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई में ठीक था? घर में कौन कौन है ऐसे? मम्मी, घर में मेरी मम्मी पापा और बहन है मुझसे बड़ी। अच्छा, बहन पढ़ाई करती है? हाँ। अच्छा, तो मतलब तुम वहां तक पढ़ाई की, एंड देन उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद फिर एक दिन एक रियलिटी शो आया, तो टीवी पे ऐसी देखा एड आया कि और मम्मी को लगा कि, क्योंकि मैं घर पे ना डेली आके थोड़ा टीचर्स का ऐसी एक्टिंग करता रहता था। हाँ, वो छोटे बच्चे नहीं होते 10 साल के जो बताते रहते घर पे, मम्मी आज ये हुआ वो हुआ, तो वही सब आके बताता था, तो उसमें एक्टिंग करता था मैं कुछ अलग। तो मम्मी को लगा कि हाँ चलो फिर अभी इसको यहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, देखते ऐसा कुछ तो उस टाइम पे मैं प्रिपेयर नहीं था, बट ओके। तो लेके गए, फिर भोपाल में ही ऑडिशन दिया। अच्छा, भोपाल आके फिर वहां से मैं आगे बढ़ा, बट
उस टाइम पे सीजन वन में मैं ऐसा मस्ती मजाक में जा रहा था, तो छोटे बच्चे कैसे नहीं होते, क्यूटनेस की वजह से जा रहे होते, तो वैसे चला गया। बट फिर बाद में मेगा ऑडिशन में फटका पड़ा, आउट हो गया। अच्छा पहले भी अच्छा, इसके दूसरे तीसरे, हाँ सीजन वन था ये। अच्छा, ओके। अब सीजन वन के बाद फिर हम हुए सीरियस हो गए, अब तो भाई कुछ करना है। अच्छा, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। और उसके बाद उस फिर जो मेहनत की, उस टाइम पे मैं होऊंगा 10-11 साल का। अच्छा, सेकंड सीजन के टाइम, सेकंड सीजन पे फिर मैं 13 साल का। 13, ओके, 2 साल। तो 2 साल पूरी मेहनत की, 14 तक होता है ना, 14 से, हाँ 14-15 तक होता है, क्योंकि बच्चों का होता है ना, तो लास्ट चांस भी था। करेक्ट, तो ये तो अभी करना ही था। फिर उसके बाद मैं मम्मी ने फिर पूरा आर्ट रेडी किया, मेहनत किया 2 साल तक। करेक्ट, एक ही आर्ट को हम लोग 2 साल तक करते रहे। अच्छा, और फिर उसके बाद ऑडिशन दिया। तो क्या होता है, दो बार हमें वो सेम, दो भी नहीं एक्चुअली 5-6 बार सेम ऑडिशन देना पड़ता है। अच्छा, तो वैसा पॉलिशिंग भी होना चाहिए। तो वही वो 5-6 बार भोपाल से वापस स्टार्ट किया, फिर बॉम्बे वापस गया, फिर उसके बाद मेगा ऑडिशन आया। अब यहाँ पे था कि अरे यार मैं यहाँ पे आउट हुआ था, अब यहाँ नहीं होना। क्या थिएटर वगैरह कुछ किया था इस बीच? नहीं, थिएटर वगैरह कुछ भी नहीं। और इस बार भी सिर्फ मम्मी ने किया, पूरा मम्मी ने सिखाया है। और फिर जो अंदर था थोड़ा बहुत कुछ कीड़े, तो वही वही निकाला। और फिर वहां पे मेगा ऑडिशन भी फिर क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद टॉप 16 में आया, फिर उसके बाद सीधा फाइनलिस्ट बना मैं। अब वो वर्ड सुन के कैसा लगा, तो आप मुंबई आ रहे हैं? तो बहुत ही अच्छा, वो तो इंडियन आइडल में होता है वैसे, सब यही बोलते हैं। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ, तो कैसा मम्मी को कैसा फील हुआ, पापा बहुत अच्छा रिएक्शन था। और स्पेशली जब मैं सीजन वन के बाद गया था, तो होता ही होम टाउन स्मॉल टाउन से, तो वो लोग होते हैं एक जेलिस लोग, तो होते हैं हर जगह, तो वही वो फिर तब तो मजाक उड़ाते ही थे बच्चे भी स्कूल में। तो फिर उसके बाद जब सीजन टू में मैं सिलेक्ट हो गया, फिर बोलती बंद, वो दोस्त बन गए होंगे। करेक्ट करेक्ट, रिलेटिव बन गए। तो वो सारा शूट मुंबई में हुआ था, सब कुछ मुंबई में। कितना टाइम चला? तो वो चला कुछ, वो भी 6 महीने कुछ। अब जज भी बड़े बड़े थे उसमें, हाँ विवेक ओबरॉय तो साजिद खान थे, सोनाली बेंद्रे थी, अनुराग बासु, नहीं साजिद खान थे सीजन टू में, सीजन वन में अनुराग बासु। अच्छा, साजिद, तो ये लोग तीनों थे। तो वही काफी ज्यादा सपोर्ट मुझे सोनाली मैम ने किया था। अच्छा, क्योंकि साजिद खान तो हमेशा ही थोड़ा उल्टा रहा। उल्टा क्या मतलब? साजिद खान वही ना जो अभी बिग बॉस में है। तो अभी तो बहुत अच्छे हो गए वो। अच्छा, अभी तो ऐसे है वो कि बाप रे, साधु संत इनसे बड़ा कोई नहीं है। उस टाइम पे आप देखते तो बाप रे, इससे बड़ा शैतान कोई नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे क्या करते? पता नहीं हूँ। अभी मैं क्या है ना, मोस्टली मेरा एक फोटे था उसमें कि मैं इमोशनल एक्ट ज्यादा करता था, और वो वन टेक होता था, तो उसमें रोना भी आ जाता था मुझे। अब साजिद खान कैसे कॉमेडी उसमें ज्यादा है, कॉमेडी तो उसको कॉमेडी अच्छी है, तो दूसरे बच्चे जो थे वो कॉमेडी करते थे, तो दूसरे बच्चे से उसको ज्यादा लगाव था, जो क्यूट बच्चे थे या कॉमेडी करते थे। अब मेरे से उसको हमेशा ऐसा लगता था कि बाहर सेट है, ऊपर है, तो इसको ऐसे ही करना पड़े, तो हमेशा उनसे क्रिटिसिज्म ही मिलता था। अच्छा, कभी कभी फिर हाँ वही कि तुमने ये थोड़ा किया और तुम कुछ और ट्राई करो माइथो में, तो उन्होंने बोला तू माइथो अच्छा किया। बट हाँ वही, बट जब धीरे धीरे बढ़ता गया ना, फिर जब मैं खुद को प्रूफ करता गया धीरे धीरे धीरे, तब उन्होंने भी फिर मानना चालू किया। तब उन्होंने वो मुझे वो ब्रांड भी दिया, वो नाम दिए कि तुम माइथो किंग हो, और तुम कह रहे ऐसा है कि तुम अगर परफॉर्म करे तो मैं पैसा दे के जाऊंगा और वसूल होगा। तो वहां से फिर मुझे भी थोड़ा उनके लिए अच्छा फीलिंग आया, और वहां से हम लोग का जो वो चल रहा था स्टार्टिंग में थोड़ा दरारे, फिर वहां से खत्म। तो कैसी बॉन्डिंग होती थी शो में, क्या एक माहौल होता है ये सब? शो में ना एक तो पूरे टाइम क्या होती है, सबके साथ मम्मियां होती है। बच्चों के आपस में अलग झगड़े होते हैं, और मेंटर्स के साथ मम्मियों के अलग झगड़े होते हैं। अच्छा, तो मम्मियों के आपस में भी क्या होता था, वहां पे ना एक बंगलो, एक रॉयल पाम है गोरेगांव में, तो रॉयल पाम करके जगह, वहां पे हम सबका रिहर्सल होता था। अच्छा, तो वहां पे अब सारी मम्मियां एक रूम में, मम्मियों को पूरे दिन बैठना है। अच्छा, पूरे दिन या तो गॉसिप करेंगे या तो कोई सो रहा है कुछ कर रहा है, चुप तो रह नहीं सकती, गॉसिप तो नहीं है, चुप तो रहेंगे नहीं। तो वो बातें, और हम लोग फिर चले आया करते थे रिहर्सल पे। अब हम लोग आए, अब हमको ना जैसे नया हफ्ता है, नए हफ्ते में नई स्क्रिप्ट मिल रही है। अच्छा, तो उसमें फिर अभी नई स्क्रिप्ट मिल रही है, तो सारी मम्मी आज तो कोई बात नहीं करेगा, चुप चुप करके बैठेंगे, अब मेरे बच्चों को क्या मिलता है। अब वो नई स्क्रिप्ट पे से ही पता चल जाता था इस बार आउट होगा कि बच जाएगा। अच्छा, ऐसा। तो वहां पे तुम्हारे टीचर सारे मेंटर्स थे, सारे एनएसजी के मेंटर्स थे। अच्छा,
तो आज काफी अच्छे काम भी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो वही मेंटर हमको हमारा पूरा जो ब्लॉकिंग रहता था, पूरा जो परफॉर्मेंस होगा ए टू जेड, तीन चार मिनट का जो भी परफॉर्मेंस है वो सब ब्लॉकिंग वॉकिंग ए टू जेड सब वो करवाते थे। एक हफ्ता पूरा उसमें पॉलिश होती थी। हाँ, तो वही वो सब मम्मी या फिर देखती थी, तो सब देखती थी, अरे किसका स्क्रिप्ट आया है, क्या आया सब। और अच्छा, अपने बच्चों का तो पूछ ही नहीं, दूसरे का भी पूछ रही, तेरा क्या आया, कैसा आया, क्या है। तो वो ये बड़े मजे वहां पे आते थे। अब इसमें बहुत सारे झगड़े भी होते थे, बिल्कुल होंगे, मेंटर्स के हो जाते थे मम्मियों से कि ये सही नहीं है। अच्छा, उसमें क्या है ना, मेरी माँ स्टार्टिंग से ही, मेरी माँ ने मुझे बहुत वो किया है, सिखाया है चीजें। तो मेरी माँ हमेशा से ही अगर मेंटर को सिखा रहे ना, मम्मी को सही नहीं लगता था तो मुझे अलग से सिखाती थी। अच्छा, तो फिर किसके सुनते थे, मम्मी? मैं तो मम्मी की सुनता था। फिर मेंटर्स आके मम्मी को बोलते थे, आप इसको ये सिखा रहे हो, हम इसको ये सिखा रहे हो, वो आपका सुन रहा है। और ऑन स्टेज किसका होता था? ऑन स्टेज में किसका करते थे? ऑन स्टेज में मम्मी का करता था। मम्मी क्या बोलती थी कि अच्छा, जब शूट से पहले टेक्निकल्स होते हैं तो टेक्निकल्स में फिर मम्मी बोलती थी कि अच्छा टेक्निकल्स में तू इनका कर दे, रात को फिर मम्मी मुझे अपना असली सिखाती थी, और फिर ऑन स्टेज वही पे जाके कर देता था और वही अच्छा होता था। तो तुम्हारे जो वो होते मेंटर्स की मम्मी से नहीं जम गई थी इससे याद है। जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे शो अरविंद राव करके, उनके पास तक बात गई थी। तो अरविंद राव आगे मेरे से पहले बात किए कि क्या है, मैं कहा सर नहीं, मैं तो जो मेंटर्स बोलते वही करता हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। फिर मम्मी से आके बात किए कि मैम आप इसको ऐसे मत सिखाओ, मैम ये उनका मेंटर्स का नहीं सुन रहा, उन्होंने मेंटर्स को पैसे देके इतना सिखाने के लिए रखा है, आप ही सिखा दोगे तो क्या मतलब। तो फिर मम्मी उनको भी बोली हाँ ठीक है, नहीं सिखाऊंगी आज से, चलिए ठीक अगले। लेकिन फिर वही चालू। तो कहां तक पहुंचे थे शो में? मैं फिर फर्स्ट रनर अप बना उसमें। फर्स्ट रनर अप। अच्छा, तो जीतने पे कुछ मिलता था फर्स्ट उसको? उसपे हमको आईपैड्स मिले। अच्छा, और फिर 1-1 लाख का चेक दिया जी की तरफ से, तो वो मेरी पहली कमाई थी। अच्छा, ऐसे सुनने को मिलता है जो फॉर्मेट शोज होते हैं इसमें ना काफी बार ऐसा होता है टीआरपी गेन के लिए, ठीक है, कुछ ड्रामा किया जाता है, स्क्रिप्ट बताई जाती है कि आज तुम्हें ना ऐसे ऐसे रोना है, तुम्हें अपनी कुछ बतानी है बात। और ये सब भी होता है कि अपनी ना पुरानी दुख और दुख सुना दो, आने से पहले मैं वो करता था, इमोशनली कनेक्ट होने के लिए होता है इस भी हो, पर वो उसको दिखाया जाता था कि यार वो बहुत करीब है। तो कुल मिला के स्क्रिप्टेड होता था कुछ? स्क्रिप्टेड बेसिकली मेरे साथ ऐसा कुछ फेक करने के लिए नहीं किया, बट हाँ मेरे जैसे मम्मी मम्मी का वो जो रिलेशन था तो वो स्टार्टिंग में वो उनको अच्छा लगा। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा रियलिटी शोज में वो घर पे जाके शूट करते हैं, तो वो सब एकदम प्रॉपर ऐसे शूट किया और उन्होंने बहुत फायदा उठाया, बिकॉज घर पे जो हमारा होम टाउन है उस टाइम पे क्वार्टर्स रहते थे गवर्नमेंट के, पापा गवर्नमेंट जॉब में, तो छोटे छोटे क्वार्टर्स थे, उसका भी फायदा उठा छोटे से घर में। फिर अच्छा वहाँ पे शूट कर रहे थे, सब देख रहे हैं भीड़ इकट्ठा हो रही है, यहाँ शूटिंग चल रही है क्या? मैं कहता नहीं भाई शूट नहीं चल रहा है, ऐसे नॉर्मल वो शूट कर रहे हैं बस। तो वो सब शूट करते थे मम्मी। अच्छा, अब हमको वही पुराने वाला वही फेक फिर करना पड़ता था कि मम्मी सिखा रही है, मम्मी बैठ के ऐसे सिखा रही है, मैं कर रहा हूँ दिखावा। हाँ, होता था ये, मतलब टीआरपी के लिए था वही। तो मतलब बेसिकली स्टोरी रियल है बट उसको और दिखाओ, उनको अच्छे से दिखाना है उसमें, और ज्यादा इमोशनली सिंपैथी गेन करने के लिए। फिर बाद में मेरे नाना, मेरी नानी एक्चुअली सुन नहीं पाती है। अच्छा। तो वो भी उन्होंने सुना, तो फिर मेरा खामोशी जो एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की, जिसमें वो बोल सुन नहीं सकते, तो उसमें उन्होंने एक्ट ही बना दिया। अच्छा। फिर वो एक्ट करना पड़ा, उसके लिए पूरा फिर साइन लैंग्वेजेस वगैरह सीखनी पड़ी, और फिर नानी बेचारी जो बोल सुन नहीं पाती, को भी बुलाया होगा उसे भी मैं पक्का, नानी को बुलाया नहीं बेचारी, आ नहीं सकती थी वो ओल्ड थी, वहां से वीडियो बाइट मंगवाया, सुनने पड़ती थी, तो फायदा उठाते थे। कितने गरीब फैमिली से आया है, जो उस टाइम पे ना मैं तेरा शो देखता था घर में, हमारे माँ बाप बोलते थे साले इसको देख ले कितने गरीब कितने गरीब फैमिली से आया ये, यहाँ पे तुम और तुम देखो, ये हमें दिए जाते थे। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब चीज होता है रियलिटी। हाँ, होता बस इमोशनली लोगों से सिंपैथी करने के लिए, और बीच शो में जो रोना धोना होता है कुछ एक्ट ऐसा क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद फिर सारी मम्मियां रो रही हैं बैठ के। मेरी माँ तो खैर वैसे भी रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी, मेरा तो थोड़ा रियल रोना तो वो मतलब परफॉर्मेंस में निकल ही जाता था, ऐसे थोड़ी मम्मी को लगानी कट 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 आंसू नहीं निकले, तो ऐसा तो नहीं होता। नहीं, 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 ऐसा तो नहीं। चलो अब ये बताओ,
स्कूल टाइम, स्कूल टाइम, ये तो हो गया स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम उस टाइम पे भी चलो इसी टाइम की बात करते हैं। आप टीवी में आ गए, फिल्म ये करने लगे, शो अच्छा चलता था उस टाइम पे, कोई गर्ल लड़कियां भी आई होगी, चेली 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 क्या है, चेली चेली हमारी साइड गर्लफ्रेंड को बोलते चेली हमारे वहां ना सेटिंग बोलते हैं, सेटिंग सेटिंग थोड़ा कॉमन है, वो चेली है ना वो समझे, मेरा मुजफ्फरनगर साइड वाले सब। तो उस टाइम पे थोड़ा तो आया हुआ क्रेज भाई, कार्तिक ये कार्तिक ये, वापस तुम वहां से वापस मुंबई से वहां चले गए थे इसके बाद, हाँ, के बाद कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम स्कूलिंग चल रही होगी साथ साथ, स्कूलिंग चल रही थी, वहां पे क्या फेम, मतलब एक स्कूल में जब घुसे होंगे तब जो मैं वहां एज अ सेलिब्रिटी बन गया था। हां क्या बात, तब वहां पे फिर और जो मेरे प्रिंसिपल थे मिस्टर शिव प्रसाद, तो वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा, और फिर वहां पे मेरे बैनर वैनर भी लग गए स्कूल में। अच्छा, और मेरा स्कूल है केवी केंद्रीय विद्यालय, जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहां पे बैनर वैनर भी लग गए। फिर अब इसमें फिर से कई जेलस बच्चे हैं, कई अच्छे बच्चे, अभी उस टाइम में लड़कियां बहुत आने लगी मुझसे बात करने, मैं झूठ तो क्या बातें होती थी, बातें तो अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज भी बहुत लड़कियां बहुत बातें करने आती थी, अभी किसी भी बात नॉर्मल जैसे हाय करते, मैं जानता भी नहीं, फिर भी वो बोलेगी अरे तू भूल गया क्या हम लोग, मैं उस टाइम पे परफॉर्म बहुत करता था, तो ऐसा कुछ अलग अलग जगहों पे, अरे साथ में परफॉर्म किया था याद है, मैंने कहा हाँ याद है किया था, यार ये लड़की फैन है मेरी, पर मुझे अच्छी मतलब आज तक तो ऐसी कोई मिली नहीं, अरे ऐसा हो ही नहीं, झूठ यार क्या चाहते हो, कैसी चाहते हो, मिली नहीं है नहीं केवी में कोई ना कोई था, केवी की लड़की अच्छी होती है, ये तो मैं ऐसे बता कैसे बता, ये बताओ मेरे स्कूल के बगल में केवी स्कूल था। अच्छा, हमारा तो बॉयज वाला, हम लोंडो में पढ़े सिर्फ लड़कियां बगल वाले केवी में ही होती है, तो वहां से हमें देखते, तो तुम तो पढ़े लिखे हो और तुम वहां के स्टार भी थे, तो भाई कोई ना कोई तो होगी, बताओ शर्मा मत, मम्मी देखेगी। थी तो नहीं बट बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बन गई थी, और आज भी मैं ना गर्ल्स का बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज भी बहुत शाय हूँ मैं लड़की से बात कर रहे में, नहीं ये झूठा है, ये झूठा मैंने देखा है, ये बात करने के लिए नहीं, ये भाई ये बंदा सामने ऐसे बात करने जैसे आपसे भी अच्छे ऐसे बात करेगा। अच्छा, बट जैसे अभी लड़की आती है ना, तो मेरा थोड़ा किस टाइप की खुजली कैसे कैसे उठाते उस टाइम पे तो बच्चा ही था, 14 साल का 15 साल। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे लाइव, मतलब आपको सबसे पहले शायद शनि मिला, करेक्ट, फिर उसके बाद लाइफ वापस वही चल रही थी, बस थोड़ी सी अपग्रेडेड लाइफ थी, मजे हो रहे थे बस, नहीं वहां से फिर उसके बाद मुझे कॉल आया, जस्ट मेरा ग्रैंड फिनाले खत्म हो गया था, फिर मैं वहां था अपने होम टाउन में, फिर कॉल आया ऐसे कि ऐसा ऐसा शो है करण पालदाता शनि करके स्वास्तिक प्रोडक्शंस का, जो कि उस टाइम पे चैनल वाले भी कुछ पता नहीं था, बस प्रोडक्शन का नाम पता था और बॉम्बे आपको इस दिन आना होगा ऑडिशन देने के लिए, तो अच्छा ठीक है फिर से ऑडिशन देने आते हैं। बट उस टाइम पे हमको ना पता था कि कौन सा कैरेक्टर करना है, कुछ नहीं पता था। हम वहां प्रोडक्शन के गेट पे पहुंचे तो सिक्योरिटी वाले से पूछ रहे कि क्या है अंदर, ऑडिशन चल रहा है क्या, किस चीज का चल रहा है कौन, तो वो तो बोल रहे हैं कि शनि इन लोग का तो सबका हो गया, अभी यम ही बचा है, बस यम 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 कैरेक्टर था,
तो वो शनि का बड़ा भाई जो यमराज है ना उसका वो बच्चा है बस। अच्छा चलो एक बात है, चौकीदार होते हैं ना वो अलग एटीट्यूड में रहते हैं, वो अलग है, उनको भले ही पता होगा भले ही कितनी फालतू बातें क्यों ना सब पता उनको उनको लगता है कि मैं ही स्वास्थ्य का ओनर मैं हूं। अब तुम यही चीज बालाजी के गेटकीपर से पूछ लो, वो अलग एट में मेल मेल है ये छपी है मेल मेल कर दे वैसे बात करते हैं। अच्छा कोई भी कहीं पे भी चले जाओ यही है। उसके बाद क्या हो गया? फिर उसके बाद बोले अच्छा ठीक है चलो यमराज को देख के आते हैं अंदर। फिर अंदर गए तो बैठे भी और दो तीन बच्चे थे। अच्छा तो स्क्रिप्ट दिया कि शनि का तो हो गया है ना। तो बोले नहीं नहीं शनि का तो ही के लिए आपको बुलाया। अच्छा अच्छा वो क्या बोल रहा था छोड़ो। तो फिर दिया ऑडिशन। अब मेरा भाई उस टाइम पे भी रोना तो निकलता ही था। और ऑडिशन में भी एक बहुत फेमस सीन था जिसमें शनि का ना पैर कट जाता है, जो उसकी माँ जो उसकी सौतेली माँ रहती है बेसिकली वो श्राप देती है, तो उसका पैर कट जाता है और वही वो अपने पिता से बहुत मांग रहा होता है हेल्प सूर्य भगवान से कि हेल्प करो आप। तो वही सीन था। फिर मेरा भाई रोना तो निकलता ही था तभी, अब नहीं निकलता वो अलग चीज है। तो तभी भी रोया। फिर वही सेम टेक में ऑडिशन तो उनको अच्छा लगा। फिर हम वापस आ गए। अब क्या हुआ, हम लोग ट्रेन में ही थे कि तभी उनका कॉल आया कि आपको वापस आना पड़ेगा। हाँ तुरंत ही दूसरे दिन ही। और उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था ना कि मम्मी बोले थे कि अब तो हम निकल गए अब हम कैसे आए। तो बोले ठीक है मैम कोई बात नहीं आप वापस आ जाओ, हम आपको फ्लाइट का टिकट भेजते हैं। तो फिर हम वापस आए। अब उस टाइम पे भी फिर बहुत सारे लुक टेस्ट हो रहे थे, बहुत सारे मॉक शूट होते हैं। अब मॉक शूट जिनको नहीं पता है तो मॉक शूट में क्या होता है, हमको लुक में वो सीन करना होता है बस, स्क्रीन टेस्टिंग बेसिकली स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे। तो वो मॉक शूट होने लगे, लुक टेस्ट होने लगे, लुक पूरा अलग 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 और बहुत सारे होते थे। मैं मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह 6 बजे आता था तो खाली लुक टेस्ट करके रात को 12-1 बजे जा रहे वापस। फिर अगले दिन वापस आप उस टाइम पे रहने का भी कुछ नहीं था तो हमको होटल रूम भी दिया था तभी प्रोडक्शन में, एकोमोडेशन वगैरह सब। तो वही हम आना जाना कर रहे थे, कोई घर नहीं कुछ नहीं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, बस चल रहा है चल रहा है। अब उस टाइम पे फिर मैं नया था और काफी लोग को मुझ पे बिलीव नहीं था, इवन चैनल को भी बिलीव नहीं था कि ये कर पाएगा कि नहीं। तब जो हमारे प्रोड्यूसर थे सिद्धार्थ कुमार तिवारी, तो वो फिर काफी लड़े कि नहीं मुझे इसमें कुछ दिखता है, इसको ट्राई करते लेते हैं एक बार। और उनको नया फेस चाहिए था और मोस्टली शनि की क्या है जो वक्र दृष्टि होती है वो आंखों से ही होती है, तो वो मेरी आंखों को उन्होंने देखा कहीं ना कहीं लुक को भी मैच कर रहा उसे कि ये जा रहा है, करेक्ट कर रहा है। और मोस्टली आंखों की वजह से उन्होंने फिर सोचा कि इसको लेते ही और इसको कर रहे हैं। तो चैनल से उस टाइम पे लड़े थे और ये सब मुझे बाद में पता चला, तो काफी अच्छा लगा। और फिर उस टाइम पे फिर सिलेक्ट हो गए। अब शूट भी हो रहा था बॉम्बे के बाहर, वहाँ उमर गांव में जो 3 घंटा दूर है। शूट स्टार्ट हुआ तो अब नई एक्साइटमेंट थी बट नर्वसनेस भी बहुत थी बिल्कुल। और जब शूट वोडिंग बहुत, हाँ ये भी मैं आपको बताना भूल गया, मुझे फिर बाद में मेरे को-एक्टर्स ने बाद में बताया कि वो ऐसी कार से जा रहे थे और बैनर्स बहुत सारे लगे थे, बहुत सारे बैनर्स चल रहे थे, प्रमोशंस चल रहे थे। तो मुझे उन्होंने बाद में बताया कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि हजारों बच्चे को ऑडिशन हुआ शनि के लिए और ये लड़का जो बॉम्बे से बिलोंग भी नहीं करता है, जिसका बॉम्बे से कोई लेन देन नहीं है, इंडस्ट्री में आया भी नहीं है अभी तक, वो आज सिलेक्ट हुआ और उसके बॉम्बे में ही इतने सारे पोस्टर्स लगे हुए। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। फिर स्कूल तो गया ही नहीं, फिर उसके बाद शूट करता ही रहा, दिन भर शूट चलता था। तो उस शो भी अच्छा चला। हाँ बहुत अच्छा। और 2 साल मतलब 3 महीने के लिए मुझे लिया गया था बट फिर वो 2 साल तक चला मेरे साथ। और उस टाइम पे तो मैंने 8th का एग्जाम भी नहीं दिया था, मेरे प्रिंसिपल इतने अच्छे थे उन्होंने बोला पास करा दिया। पास का नाम फेमस कर रहा है बच्चा, पास करा दिया जा बेटा पढ़ मत जा जी ले अपनी जिंदगी। उस टाइम पे तो कुछ नहीं किया यार, जब तो शनि का था तब तो इस लाइन में आए भी नहीं थे।
अच्छा तब तो मैं पता नहीं क्या कॉलेज कॉम्बैट में इन्हीं का शो देख रहे होते थे नहीं मम्मी एग्जांपल दिए देती थी मुझे जब तेरा शो आता था वो वाला अच्छा ड्रामेबाज अच्छा अच्छा वो हर घर में चला है वो शो हर घर में बड़ी इंटेंस एक्टिंग होती थी बहुत अच्छा उसमें ना वो जो कहानी सुनाते थे ना मम्मी उसी टाइम टीवी देखती थी देखो इसकी मम्मी देखो इसका बेटा इसका पापा ऑटो चलाता है इसकी मम्मी ये करती है झाड़ू पोछा मारती है हम तुम्हें पैसे भी दे रहे तुम पढ़ नहीं रहे हो ये हमारे एग्जांपल मिलते थे तो कार्तिकेय भाई आपने बताया कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में करेक्ट ठीक है इतना अच्छा नहीं होता सैलरी का एक लिमिटेड होती है तो शो से पहले और शो के बाद क्या फाइनेंशियल चेंज आया पहले सिर्फ सैलरी थी आपने फिर शो किया एक अलग से इनकम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया करेक्ट क्या चेंज आया कैसे आपकी लाइफ स्टाइल बदली उसके बाद क्या आपने शो पूरे करे जो आप पहले नहीं करते थे शौक तो ऐसे काफी मतलब ऐसे कुछ थे भी नहीं मतलब स्मॉल टाउन के लोगों को शौक होता ही नहीं आप लोग आई होप रिलेट कर पा रहे होगे मुझसे क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है क्या है क्या छोटे बच्चे के कुछ होते हैं हाँ मतलब भाई ये अभी क्या ही होता है ये चाहिए ये ड्रोन चाहिए अभी वो मैं सेट पे ही होता था तो मेरे प्रोडक्शन वाले ही अभी हम लोग बच्चे एकदम दोस्ती आ रही होगी वही लोग मुझे कुछ गिफ्ट लाके दे देते ड्रोन गिफ्ट कर रहे हैं टॉय कार गिफ्ट कर रहे हैं ड्रोन रियल वाले करेक्ट करेक्ट रियल वाले वैसे मैं उड़ाता था अच्छा अब सेट के बीच में उड़ाता था मेरा खेल वही था मेरी पूरी लाइफ स्टाइल ही वही थी और यही सब मेरा खेल कूद वहीं चलता था पढ़ाई वहीं चलती थी सेट पे फिर बहुत सारे लोग मुझे चिढ़ाते भी थे अरे पढ़ रहा है पढ़ाई छोड़ दे कुछ बोलते थे ये पढ़ाई करते रहना मम्मी वही सुनती थी वही डंडे मारती थी मुझे टेबल पे वहीं बिठाती थी सेट पे और सेट जैसी कट होता था तो मुझे यहाँ के फिर करना रहता था पढ़ाई अपनी और पढ़ाई के बाद फिर वापस शूट वैसा तुरंत लाइफस्टाइल तो चेंज हो गई मतलब लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई फिर उसके बाद अभी नए नए ब्रांड्स पता चले क्या क्या कपड़ों के ये ब्रांड होते हैं शूज के ये ब्रांड बॉम्बे जब हम आए तो अभी मैं वहां से भी डायरेक्टली होम टाउन से उमरगांव गया था उमरगांव इज ऑल्सो स्मॉल टाउन वहां पे भी कुछ नहीं वहां तो दिन भर शूट में निकल जाता शो खत्म हुआ हम लोग बॉम्बे आए बॉम्बे में शिफ्ट हुए अब नई मेट्रो सिटी है और एक तो सीधे इतनी बड़े चेंज ड्रास्टिक चेंज था बहुत विद फैमिली शिफ्ट हो गए नहीं आज भी मॉम और मैं ही बस रहते हैं मेरी बहन और पापा अभी भी एमपी में ही है तो वही पूरा फैमिली भी बटा हुआ है तो राइट नाउ आई एम द मैन ऑफ द हाउस स्टार्टिंग से बचपन से तो मम्मी ने काफी संभाला भी मैं बड़ा हो गया तो काफी कुछ मैं देख लेता हूं करेक्ट तो वो चीजें पता चली तो थोड़ा बहुत वैसे कपड़े वपड़े नए नए ब्रांड्स ले रहे हैं नए नए शूज ले रहे हैं बट वही था फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा बट उस टाइम पे भी मेरा उतना ज्यादा मैं नहीं कमा पाया बिकॉज जो जी का शो मैंने किया था तो उसमें भी उनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है आप शो साइन जब मेगा ऑडिशन में होते हैं तभी साइन कराते हैं कि आप जो भी शो लेंगे अगले नेक्स्ट ईयर तक उसका पूरा 50% हमको आएगा बिना कुछ किए ये आपको पहले बता दिया जाता है फिर बाद में पहले ही बता दिया जाता है पहले ही बता दिया साइन करवा लेते हैं कुछ बता देते हैं बताते हैं हाँ कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन होता है बट वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना आप ऑडिशन नहीं दे पाओगे फिर ओके वो साइन तो करना ही पड़ेगा ये पहली बार पता चला है करेक्ट तो शनि का आधा पैसा उन्होंने ले लिया पूरा की पूरा आधा 50% पूरा उनको गया हालांकि मुझे ही कॉल आया था सब काम ही हमने किया था बट पूरा 50% उनको गया तो ये बात तुमने स्वास्थ्य को नहीं बताई बताई बट वो भी क्या कर सकते हैं अभी ये तो वही है कि अभी उनसे आप लोग का बात हुआ है जो भी हुआ है हम उसमें क्या बोले बड़ा दिल पे पत्थर सा रख के देना पड़ता है देना पड़ता होगा क्योंकि यार मेहनत हम कर रहे हैं कमा रहे हैं और उस टाइम पे बहुत ज्यादा एग्जर्शन भी 14-15 घंटे शूट हो रहे हैं तो भाई अभी जैसे आप कह भी रहे थे दिल पे पत्थर रख के करना ही पड़ता है तो उस टाइम पे मुझे तो उतना नहीं मैं तो क्या मौज चल रहे थे शूट करना है मम्मी पापा को सब चीजें समझ आ रही होगी समझ में आ रही थी कि ये जा रहा है प्रोडक्शन से लड़ना भी कि अभी बच्चा है तो इसको बोल भी नहीं सकते कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया था करेक्ट करेक्ट तो छह कितने महीने के उनके अंदर पूरा जो शो था पूरे टाइम दो साल पूरे आधी मनी पूरा पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा गया दो साल की सारा पैसा गया करेक्ट कितना था कितना दिया आपने भी पूछे आपने कितना कमाया आपने कितना दिया उसी हिसाब से मल्टीप्लाई डबल टू लाखों में ही दिए अभी वही तो समझ कितना फिर भी कितना एक कुछ तो बताओ अभी दिए होंगे कुछ 15-20 लाख 25 लाख तो 15-20 लाख इन्होंने कमाए 15-50 लाख आधा उधर दे दिया 50-60 लाख ओ भाई सही है और मैं आधी मेहनत चली गई मतलब हाँ वही एंड देन उसके बाद कहाँ से
उसके बाद फिर शो खत्म हुआ, हम लोग शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद फिर वही नया लाइफस्टाइल चालू। अब फिर यहाँ स्कूल जाने लगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे स्कूल बॉम्बे में कोई मानता नहीं कोई एक्टर एक्टर कुछ नहीं, कोई नहीं। स्कूल में बहुत बुली हुआ हूँ मैं, बहुत ज्यादा। तू एक्टर है क्या है, तू ज्यादा चढ़ेगा क्या, ये सब करके बहुत मुझे बुली क्लास की बात है। ये अभी नाइन्थ टेंथ मुंबई वाले लोग क्या, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो स्कूल के बच्चे तो वहां पे बहुत बुली होता था मैं। कोई इंसिडेंट बताओ ना, क्या मतलब सबसे पहले क्या फेस करा और किस बात पे? मतलब वही कि अभी जैसे मैं टीचर्स की भी बात कर लूं, अच्छा, टीचर्स अच्छा। भी कैसे, अगर मैं अभी छुट्टी मांगना चाहूँ, शूट है मेरा, नहीं देंगे। अच्छा, कि हम क्यों दें? अरे तुम्हारा ही तो नाम हो रहा है, दे दो यार, तो नहीं देंगे। तो इस चीज में लगता है यार मेरा भोपाल वाला स्कूल की तरह से हमारे प्रिंसिपल के अंदर अच्छे थे कुछ भी। हां चलो कोई टेंशन नहीं, वो तो उनको तो 10 रुपए पास करा देते जो मैं सीरियसली से बात हो गई नहीं इतना तो नहीं पता क्या वो 8 तक इसके लिए बिकॉज़ वो स्कूल के हाथ में होता है। तो इस टाइम ये टीचर्स का ऐसा होता था कि छुट्टी नहीं देंगे। फिर अभी मैं अभी शूट कर रहा हूँ मान के चले, उसके बाद मैं अभी कुछ नोट्स वगैरह मांग रहा हूँ किसी से, तो नोट्स नहीं देते थे। अच्छा, तू शूट कर रहा है तो कर ना, तू जाके कर कमाना। हाँ तू कर, मतलब इसे तो ये बोले किलसते थे किसी कोई आगे बढ़ा तो पूछना हो। वही वही अभी मैं क्लास में भी मेरा मैथ्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, मैं मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था स्टार्ट से। तो मैथ्स में भी अगर मैं किसी से क्वेश्चन भी कर लूं कि यार ये वाला सब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत वो ऐसे करके कि अरे तू जाना, तेरे को तो सब आता, एक्टर है तू, पता चल ही जाएगा तुझे तो। अच्छा, तो पास हो जाएगा। हाँ पास हो ही जाएगा तू, तेरे तो सेटिंग है ना स्कूल से। अरे मेरा क्या सेटिंग होगा यार। तो ये सब चीजें बहुत फेस किया और ये मैंने लगभग 2 साल तक फेस करा। मुझे ना ये लगता है अगर एक्टर मुंबई का ना हो तब ये ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती है। अगर मुंबई का हो ना, मुझे ऐसा लगता है उसे सपोर्ट किया जाता है मुंबई के लोग, उसकी बाहर से आके यहाँ पे ये कर रहा है अच्छा, और हमारे यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे। ये थोड़ी जेलेसी में लगता है। मुंबई के लोग जलते भी है नॉर्थ वालों से, दिल्ली वालों से, वो सारे दिल्ली से आ गए थे, दिल्ली से आ गए, ये बहुत है करेक्ट। और तो आप स्कूल में यहाँ पे आए एंड देन उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाई कितनी बनाई कब बनी? मैं आपको सच में आज मैं सबके सामने पब्लिकली कन्फेस करता हूँ, ये जो भी कन्फेस करेगा सब झूठ करेगा, कुछ मत मानना। नहीं ये सच में मेरी आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो कुछ और तो चार रही है। ए भगवान। तो आप आप मुंबई आए, मुंबई आने के बाद आपने मतलब एक्टर बन गए, शनि किया इतना बड़ा शो, एंड देन उसके बाद स्कूल में लड़कियां तो रही होगी दोस्त यार? नहीं बाबा मैं सच में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच में अच्छा। मैं ये जो कन्फेस करूंगा सबके सामने, एक भी गर्लफ्रेंड मेरी आज तक नहीं रही है। तो क्या चक्कर था? मैं सच बोल रहा हूं। पूरी 10 रही है। कन्फेस तो छोड़ो, कन्फेस जो भी करेगा सब झूठ है, नहीं मानता। ठीक है मैं मान, मुझे पता है इसकी 10-10 15-15 20-20 एक टाइम पे, एक टाइम पे। अरे बाप रे ये सब कब हो रहा है, मुझे ही नहीं पता। हमें पता है, जनता सब कुछ जानती है। ये बताओ लड़कियां नहीं थी तो कौन था? लड़के तो नहीं थे, लड़कियां ही थी। देखो अब लड़कियां फंस गया ना, सही सामने आई है। मतलब मैंने बोल रहा हूँ आपको, मैं फ्रेंड जोन रहा हूँ तो लड़कियां ही अभी भी। ये जो फ्रेंड जोन वाले होते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं, सबसे ज्यादा मजे तो वही कर रहे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड बोल के ना, बेस्ट फ्रेंड वाला बेनिफिट ले रहे हैं। गर्लफ्रेंड हो सच सच बता यार, ऐसा होना खा, इतना बड़ा शो किया तूने, तेरे पास लड़के नहीं आई? झूठ ना हो, नहीं आई होंगी, आई होंगी क्या होता है, मुझे पता नहीं चलता है ना, मैंने बोला आपको तो बोल लेके चले जाता साइड से। अकाउंट कौन चलाता था उस टाइम पे? क्या अकाउंट? मम्मी आज भी चलाती है मेरा अकाउंट, मेरी माँ आज भी पूरा ऑपरेट करती है। हाँ। मेरे अकाउंट, उनका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। हाँ। मेरा ही पूरा जो भी किसी के मैसेज आ जाए, कार्तिक है हुआ तो होगा ऐसा, लास्ट नाइट सो मम्मी पूछे बेटे ये क्या हो रहा है, कहाँ था कल रात? तो घुसा तो कमरे में था, बाहर कहीं चला गया। मेरी मम्मी मुझे मारेगी, उससे पहले आपको मारेगी। नहीं आए बताओ, ऐसा बताओ ऐसा कुछ आया है क्या मैसेज आ जाए? देखो इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी नहीं पता ना, डेली आते हैं, डेली आते। कल भी आया था, क्या आया था? वही कि हाय कार्तिक, ब्रांड नाम किसके भी,
आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू आई लव यू, ये तो नॉर्मल है। नहीं भाई तो वही कोई पर्सनल मोमेंट वाला मैसेज आ गया, पर्सनल मोमेंट वाला जो तुमने किया हो, मैंने रिशा वाला कोई कांड हो कुछ भी हो सच्चाई। देखो मैं मानता हूँ इस बार मैं पहली बार अकेले इंडोनेशिया गया था, अकेला दूसरे फ्लोर पे था, दूसरे फ्लोर पे दूसरे रूम में, ऊपर क्या चल रहा है किसी को क्या पता, पड़ोसी कुछ खबर नहीं, पता भी नहीं चलता है ना, नहीं चलता भाई। वो तो इंडोनेशिया, वो छोड़ो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया पे इंडोनेशिया आएंगे। इंडिया में क्या किया है तुमने, ऐसा कोई कांड बताओ, या तुम्हारे साथ कोई कांड हुआ हो, कोई लड़की ने तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हो, मम्मी ने देख देखा देखे व्हाट इज दिस बेटा, तुम्हें ये तो नहीं सिखाया मैंने। मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा मैं फ्रेंड जोन वाला लड़का हूँ, तो बहुत सारी मतलब स्कूल में भी लड़कियां होती है, नोट्स वोट्स के बाद चल रहे होते हैं, नोट्स के बाद कुछ और नोट्स से फिर आते हैं, साथ में स्टडी करेंगे, नाइट स्टडी होगी, नाइट स्टडी में दिन में ही होता है सब, अच्छा डे स्टडी में ही जब आप मुंबई शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आप बोल रहे कि बुली होते थे टीचर्स भी, लड़के भी, लड़कियां भी सेम करते थे, सेम रिएक्शन रहता था लड़कियों का भी, लड़कियां तो अच्छा, लड़कियां अच्छी थी, उनका रिएक्शन बता, उनका रिएक्शन कुछ नहीं है। मैं अरे क्या होता था एक बार, अभी मैं लड़कियों से भी ज्यादा बात करता नहीं था अभी, तो अभी भी अच्छा काम की बात होती थी तो वही सिर्फ काम की बात। तो अभी मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास में बहुत जल्दी आया करता था, पहले पहले निपटा के छोड़ दो, बाप रे जल्दी क्यों आ गई हो, जल्दी आने कोई जल्दी आ खुल जाती थी, मम्मी बोलती थी जा 6 बजे जल्दी क्यों आता था, ये भगवान गलती कर दी क्या इस पॉडकास्ट में आ गया। तो जल्दी कितने बजे भाई, मतलब अभी जैसे 7 बजे का है तो मैं 6:45 तक आ जाता था, पर नहीं भाई मेरा राय पहले से 15 मिनट हो गए, 15 मिनट ही ना, ये क्या बना रहे हैं सच में क्या बना रहे हो, कुछ तो अलग होना चाहिए एपिसोड में, तो मेरे साथ कर लिए बिल्कुल ही अलग होंगे, मैं मिला हूं वो छोड़। अच्छा तो ये बताओ पहले आ जाते थे 15 मिनट पहले, फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं भाई, मेरा क्या स्टार्टिंग से ही रहा है जल्दी जल्दी आना है, ये आदत बन जाती है ना, हमको टाइम टू टाइम पहुंचना पड़ता है, तो वही आदत बन गई। मुझे क्या मालूम यहाँ के बच्चे से ढीले कभी भी आते हैं, ढीले का मतलब क्या होता है, ढीले कड़क लड़की नहीं, मतलब वो साले ढीले भी मेरे बोली करते थे, अच्छा तो कड़क ही होंगे पर वो ढीले थे, कड़क थे पर ढीले थे, क्या कड़क ही होंगे। अच्छा फिर तो भाई मैं जल्दी आ जाता था तो कड़क लोग बोली करते थे नहीं तब तो नहीं करते थे तो फिर भाई अभी आने चालू होते थे तो मैं अपना कुछ ऐसी नोटबुक में कुछ अगर बचा है तो करता रहता सब वगैरह कुछ खुद पेंडिंग वर्क कर। हाँ फिर उसके बाद ऐसे एक दिन क्या हुआ, ऐसे मैं बैठा हूँ, अभी मैं लड़की से बात करता नहीं था, और फिर एक ऐसी लड़की मेरे को ऐसे वेव कर रही है, क्लास के अंदर ही ऐसे छोटा से क्लास ही है, ऐसा कोई बड़ा ऑडिटोरियम हाई कर रही, अब मैं बैठे ही वैसे जल्दी आ गई होगी उस दिन। हाँ आ गई थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठा हूँ, वो मुझे हाई कर रही, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने देखा और मैं पीछे देख रहा हूँ, मतलब पीछे तो दीवार तो वही है, ये सब चीजें होती थी मेरे साथ। अच्छा कि मैं बातचीत करता नहीं था। तो एक चीज और बताओ, लास्ट बेंच पे बैठने का रीजन क्या था, सबसे पहले आगे भी सबसे लास्ट बेंच पे मतलब सबसे पहले बंदा इसलिए आता सबसे आगे बैठे, ये क्वेश्चन अच्छा है, सबसे पीछे क्यों, पीछे क्यों ऐसे ही क्योंकि ताकि टीचर से बच पाऊं, मैथ से बचने के लिए। हाँ करेक्ट, टीचर से बच जाऊं, कोई पूछे तो दिखूं ना। सवाल अच्छा था, जवाब अजीब है जैसा आप चाहते हो वैसा दूंगा नहीं मैं
पर यार किसी ने प्रपोज तो किया होगा ऐसे तो बिल्कुल लड़की तुमने मना किया होगा बट लड़कियों ने तो किया होगा ना। देखो फेमस थे आप ठीक है स्टार थे उनकी नजरों में बहुत बड़ा स्टार कि हमारे साथ हमारी क्लास में बैठ रहा है पढ़ रहा है बात। वो प्रपोज करती भी थी अगर तो मना भी तरीके से करना पड़ता होगा तरीके से मतलब क्या उसे बुरा भी ना लगे और मेरी रेस्पेक्ट भी करती रहे लाइफ टाइम जब तक मुझे जानती रहे तो कैसे करते किस तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशन को। नहीं मतलब वही है कि अभी तक तो किसी ने किया नहीं है प्रपोज ऐसा बस बट वही है कि जैसा मैंने देखा है आज तक जो भी मैं सीखा हूँ लड़कियों का ऐसा कभी भी प्रपोज सामने से नहीं करेंगे नहीं करती अच्छा। सही बात है वो हिंट्स देती हरकतें कि तू कर तो हिंट्स तो मिले होंगे। अरे हिंट्स वही मैं कह रहा हूँ ना अभी ना सीखे था तभी कुछ मालूम नहीं था। हाय क्यों कर रही थी वो हिंट ही तो था वो मे भी होगा मे भी होगा। अच्छी थी लड़की वो सुंदर थी हाँ सुंदर थी अरे बॉम्बे की सारी लड़कियां सुंदर ही होती हैं झूठ बोलता झूठ बोलता मेरा तो दिल्ली की नहीं मेरे ऊपर से वो इंटरनेशनल स्कूल उसमें और सुंदर लड़कियां हैं वो बांध सकते हैं हाँ तो वही तो अभी तो थी बट वही हिंट देती है अच्छा। अभी हिंट्स अपने को कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे कैसे क्या हिंट्स होते हैं तो अभी रिग्रेट होता है कि यार तब यार पता होता तो शायद बात बन जाती है। नहीं रिग्रेट तो नहीं रिग्रेट क्या करेंगे अभी भी तो बच्चे ही अभी अभी भी तो आते होंगे हिंट्स अब तो सामने से ही नहीं हिंट्स ही नहीं आते अब तो क्यों अब तो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होता चाहते क्या हो आप क्या चाहते हो ये बताओ यार आंसर्स जैसे क्वेश्चन बड़ी बड़ी अच्छे से वैसे हिंट्स अभी ने कुछ नहीं आता है नहीं नहीं तो वो छोड़ो हिंट्स की बातें हो गई पूरा बहुत सारी अब ये बात करते हैं जो आपने शनि के बाद आपका दूसरा शो शनि के बाद दूसरा शो है चंद्रगुप्त अब वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है। गैप कितना था गैप उसमें था मेरा कुछ 2-3 महीने बस 2-3 महीने अच्छा ओके काफी स्ट्रगलिंग इसके लिए वो शो रहा है बिकॉज उस शो वो और वो शो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट भी रहा है बिकॉज एक तो ना वो पूरे टाइम वो डे लाइट में शूट होता था लाइव शूट होता था तो सन एकदम और उस टाइम पे जून जुलाई वगैरह सब चल रहा जून जो हमारा होता मई वगैरह एकदम गर्मी और तभी एकदम धूप फुल धूप और उसमें शूट होता था और जब ठंड हो रही है तभी स्विमिंग पूल के अंदर अंडर वाटर सीन्स हो रहे हैं तो ये सब बहुत सारे उसमें चैलेंजिंग सीन्स भी थे करने के लिए हॉर्स राइडिंग थी फाइट सीक्वेंसेस बहुत सारे थे बहुत बड़े बड़े फाइट मास्टर्स भी आते थे तो काफी कुछ सीखने को भी मिलता था। अब उस टाइम पे मेरा चल रहा था 10th बोर्ड्स और तब मैं वही जैसे पहले बताया इस बार भी वही अब इस बार क्या है अभी डे लाइट है शूट तो है तो शूट हो रहा है उसके बाद मेरे लिए अलग से टेंट लग जाता था टेबल के साथ मम्मी बैठ जाती थी वहाँ आ जा बेटा वहाँ कट हुआ तुरंत आके फिर पढ़ाई हुई मैं आज के 2-3 साल सॉल्व कर रहे तब तक किसी और का क्लोज लगा है तब तक शूट वही शूट चल रहा है उनका मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अब ये बात पहुंच गई थी दूसरे न्यूज चैनल्स तक भी तो सिर्फ उतना शूट करने के लिए वो उधर आ गए थे जो बड़े ABP वगैरह ये सब आज तक सब तो वो सब हाइप हो गया तो बाकी फिर मम्मी बाकी बच्चों ने भी फिर मुझे बताया जो दूसरे को एक्टर्स है मेरे अभी भी जो है वो दले तेरा देख के हम लोग हमारी भी चालू हो गया अच्छा। तो मुझे लगा मेरी कोई गलती नहीं भाई मेरी माँ की गलती है बट वो काफी ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा बिकॉज कैसा होता था ना जब बोर्ड्स का टाइम आ गया और शूट कैसे है अभी आज मैं शूट कर रहा हूँ हाफ डे तक शूट करूंगा मैं लंच टाइम उसके बाद लंच टाइम तक 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा प्रोडक्शन से छुट्टी लेके पढ़ाई करूंगा उसके बाद 10 बजे मैं उमरगांव से निकलूंगा तो 12 बजे यहाँ पहुंचूंगा बॉम्बे और उसके बाद 10 बजे फिर मुझे एक वहां जाना है स्कूल जहां भी मेरा सेंटर है वहां पे देना है एग्जाम देना है तो वो भी मुझे 3 घंटे का है तो मुझे 2.5 घंटे में खत्म करना रहता था क्यों बिकॉज यहाँ पे डे लाइट जा रहा है हम लोग के पास बिल्कुल बैंक नहीं होता था अच्छा। और यहाँ पे लाइव शूट करना है क्रोमा में शूट कर नहीं सकते तो वो मेरा होता था खत्म 2 बजे अब 2 बजे क्या होता था ड्राइवर यही साथ में ही रहता था तो मम्मी खाना वाना लेके रखती थी साथ में और फिर हम लोग भगाते थे गाड़ी 150-200 की स्पीड में गाड़ी जाती थी हम गाड़ी में ही खाना खा रहे और फिर वहां पहुंचते थे अब 2 ही घंटे बचे तो उसमें फिर स्क्रिप्ट भी याद करो मेकअप भी चल रहा है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी का अलग प्रेशर है तो वैसे ऐसे दिन निकले तो कितने परसेंटेज आए थे 10th टेंथ में आ गए थे 81 मैथ में कितने नंबर थे मैथ में मत पूछो अरे बता दो 63 थे बहुत है इतना बहुत होते हैं वो भी आ गए पास हो जाए तो अच्छे नंबर थे तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त खत्म हुआ उसके बाद तुम्हें इंडोनेशिया के लिए फोन आया
फिर इंडोनेशिया आई थिंक तभी नहीं पहले ही शनि जब भी गैप चल रहा था ना चंद्रगुप्त और शनि के बीच में तब मुझे फर्स्ट टाइम इंडोनेशिया के लिए फोन आया था तब कुछ पता नहीं था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दूसरे कंट्रीज में इंडियन शूज को इतना प्यार मिला अलग ही लेवल का यहाँ पे भी नहीं है वहां पे मैं देख रहा हूँ इतना क्रेज है लोगों को बहुत सारे फिर मुझे एक्चुअली बीच में इंस्टाग्राम पे आने चालू हो गए थे इंडोनेशिया उन्हें समझ नहीं आता था कि कौन से कंट्रीज है शनि चल रहा था उस टाइम पे तुम्हारा बड़े वाला शनि बंदा भी आया था तब वो हाँ तब बड़े वाला शनि और तुम्हारे शनि में जब बड़ा बंदा एंटर हुआ तो शो बंद हो गया था तब दो तीन महीने में ही बंद हो गया था शो तो काफी लोगों ने उस टाइम पे भी प्रेज किया और फिर जब यहाँ इंडोनेशिया आया तब तो अलग ही क्रेज था जो कि आज भी वेलकम कैसा था इंडोनेशिया वेलकम बहुत अच्छा था उम्मीद नहीं होगी मुझे पता है नहीं फर्स्ट टाइम था ना हाँ तो क्या था इंडिया में तो मिला ही नहीं था ये सब वहां जाकर जब मिला तो क्या बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पे ही काफी लोग आए थे एचआर के फील कर रहे थे वहां पे बस भाई ने हाथ फैलाया बाहें फैलाई वहीं पे लड़ गया तो उसके बाद कैसा भाई मेरे से मिला एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा वो काफी कुछ प्यार मिला एयरपोर्ट से ही फिर वहां पे शूट जब स्टार्ट हुआ तो रथवथ में फिर एंट्री किया अभी उस टाइम पे ना मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो चुका था क्योंकि हमको लोग जब शनि के भी प्रमोशंस पे जाते थे ना तो मुझे विग वगैरह पहनना पड़ता था वही गेटअप लेना पड़ता था मतलब गेटअप भी नहीं बट फिर भी विग पहनना पड़ता था कि बच्चे के एक्चुअल में बड़े बाल है पता नहीं क्या रीजन था बट मेरे को बहुत सर दुखता था पूरे दिन तो वो अलग अलग सिटीज में जाके प्रमोशन करे अब यहाँ पे भी सेम चीज हुआ तो वहां पे मैं कर रहा हूँ क्या आई थिंक तब गौतम भाई मुझे समझा रहे थे कि हाँ कि अरे क्या है ना पहली बार है तो उनको दिखाना पड़ता है थोड़ा तो इसके लिए कर मैं कहा ठीक है चलो करते हैं तो उस टाइम पे छोटा ही था मैं तो मम्मी भी आई थी तभी तो मैंने फिर वही फिर रथवत पे एंट्री हुआ उसमें उनको पता नहीं कैसे सभी रिचुअल्स पता है इंडिया के कि रथवत पे आते करते हैं वहां के लोग नॉलेज लेना बहुत पसंद करते हैं इंडिया के बारे में इंडिया के लोग इंडिया से ज्यादा अच्छे तरीके से वो लोग करते हैं इंडियन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट वही फिर वहां पे रथवत से एंट्री हुई फिर वहां पे ऐसे आज शनि मुझे प्रेजेंट भी किया वहीं पे हाँ तो वो फिर वहां से फिर इंडोनेशिया का एक नया रास्ता खुला कि यहाँ पे भी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे भी एक शो है यहाँ पे भी हम शूट करते हैं तो ये एक नया चीज और मुझे एक नया चीज एक्सपीरियंस मिला एंड देन अच्छे पैसे मिले जो मेन चीज है आ रहा था उसमें पैसे अच्छे मिले मानते हो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ पे जो क्या नाम है एनजी एनजी वहाँ की स्टार है मैं बता देता हूँ इंडोनेशिया की स्टार है एनजी भाई को बड़ी पसंद आई तो उनके बारे में कुछ बताइए क्या क्या हुआ उनसे बातें क्या अच्छा लगा उन्हें सबसे पहले बताओ क्या अच्छा लगा मतलब क्या है नेचर अच्छा लगा लुक वाइज अच्छी लगी लुक वाइज अच्छी थी फिर वहां के लोग सारे ही स्वीट है वो तो स्वीट थे तो वो ज्यादा स्वीट थी एनजी ने किसी को फॉलो नहीं किया सिर्फ कार्तिके को वो जलवे है भाई के और क्या है जलवे है वो ऐसे नहीं है क्या किया था ऐसा जो फॉलो किया कुछ नहीं कुछ कौन सा मंत्र फूका क्या किया एनजी आपकी हो गई देखो आपकी भाषा में बोलूं मेरी आज तक कोई चेली नहीं रही है मैं एनजी चेली थी तो चेला होगा कोई अरे यार फिर कोई नहीं थी नहीं ना कोई था बातें थी मेरी उससे सबसे ज्यादा बातें थी एक रफी करके वहां का बहुत फेमस उसके बाद एनजी से सबसे ज्यादा बातें थी एक्ट्रेस में तो इंडियन लड़की ज्यादा सुंदर लगी आपको या इंडोनेशियन जब पहुंचे हाँ तो आगे का क्या प्लान है गर्लफ्रेंड बनानी है नहीं देखो जहां तक की मेरी माँ से मुझे परमिशन मिली है आफ्टर 21 अलाउड है मुझे ओके
21 से पहले friend. 21 से पहले कुछ नहीं. Friend with. हाँ 21 से पहले. इसके आगे कुछ नहीं. Friends बस. Only friends. Friends with benefits कुछ नहीं होता. अब आगे का क्या plan है? आगे तो अभी जिनो क्या होता है ये जो एज है अभी टीन वाला एज होता है तो उसमें हम ना बड़े दिखते हैं ना छोटे होते हैं तो अभी ना मैं छोटों में जाऊंगा ना मैं बड़ों में जाऊंगा बीच में अटके तो अभी हाँ खुद ही पे काम चल रहा है अभी और बाकी कॉलेज लाइफ है तो मम्मी बोली अभी कॉलेज लाइफ भी जी ले. अच्छा अभी आप कॉलेज कर रहे हो क्या कर रहे हो? अभी मैं कॉलेज में कर रहा हूँ फिल्म मेकिंग. फिल्म मेकिंग तो आगे कुछ डायरेक्शन वगैरह का इसमें इंटरेस्ट है? हाँ वो तो है मुझे स्टार्टिंग से ही था. काफी चीजें मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकली और ये जो फिल्म मेकिंग है जिसमें हम सब है इंडस्ट्री में तो फिल्म मेकिंग आप थियोरी पे तो बिल्कुल सीख नहीं सकते. बिल्कुल मुझे डिग्री लेनी है बस इलिटरेट नहीं कहलाना है तो मुझे डिग्री मिल जाएगी. मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ थर्ड ईयर में डिग्री मिल जाएगी खत्म. तो मेन फोकस अब कैसे रहेगा डायरेक्शन पे जाएगा या फिर एक्टिंग के साथ चलेगा? ऐसे नहीं भटकूंगा नहीं सिर्फ एक्टिंग ही है बट वही देखते हैं जैसे बाद में बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बट जैसे अजय देवगन वगैरह सब अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रखते हैं बिल्कुल होगा आप सोच रहे हो अपना प्रोडक्शन हाँ खुद डायरेक्ट करता है खुद वो सिनेमेटोग्राफर भी बहुत अच्छा कैमरा ऑपरेट करते हैं तो वैसे ही कुछ एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए. अगर आप सेट पे हैं आपको अगर नॉलेज है ये सब चीज का तो आप दोनों काटे फुद्दू ना काटे प्लस अगर कोई एडी बता रहा है कोई यू नो असिस्टेंट टेक्निकल कैमरामैन कोई अगर बोल रहा है टेक्निकल वर्ड्स मुझे पता है तो मैं एक बार ही में ही समझ जाऊंगा. मुझे बार बार उनका भी दिमाग खपेगा नहीं कि अरे यार इसको कितना समझाना पड़ता है वो सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल तो ये सब इतने इतने शो करने के बाद कितने अवार्ड जीते तुमने? मतलब 10 तक तो होंगे. 10 अवार्ड. पहले अवार्ड का एक्सपीरियंस बताओ मतलब जो पहला होता है ना उसका तो बात ही अलग होती है. करेक्ट. उम्मीद थी कैसे स्टेज पे? पहला ही जो मेरा अवार्ड था वो कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स का ही था. अच्छा तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस भी था. Okay. और वो मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा कि मैं कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ. तभी क्या चल रहा था? तब शनि चल रहा था. और शनि में भी तभी वो सेट पे ही आते थे. पूरा बॉम्बे से पूरा टीम आता था उनका X1X ग्रुप अगर आपने नाम सुना होगा तो डांस प्लस के तो वो लोग बॉम्बे से स्पेशली आते थे उमरगांव और बहुत सारे फ्लिप्स रहते थे कूदना यहाँ से मेरे को फेंक देना. तो सिर्फ वही तो वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था. मुझे बहुत ज्यादा नर्वस था. एक तो डांस तभी आता है मतलब डांस भी करता हूँ पहले से बट फिर भी इतना नहीं कि फ्लिप्स हो रहे इतनी हाइट से दो दो फ्लोर से मेरे को कुदवा रहे हो. और वो भी पहला जो मेरा था परफॉर्मेंस पहले ही परफॉर्मेंस इंडस्ट्री का वो सलमान यूसुफ के साथ था. वो भी बहुत बड़ा डांसर खुद ही तो वो कॉम्पिटिशन में थे तो वो बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक यू नो एक होता है एक मूवमेंट होता है लाइफ का एज ए डांसर वो खुला. तो वहां पे भी काफी सारी मेहनत हुई बहुत सारी चोटें लगी और फिर बाद में फिर वहां पे भी अवार्ड शो चल रहा है अभी हमको ना मैं वो फर्स्ट लाइन पे ही बैठा था बिकॉज रिएक्शंस वगैरह सब तो मम्मी मुझे लेके गई और पीछे एक स्टंट था जो मुझे ऊपर जंप चढ़ना था दो फ्लोर ह्यूमन पिरामिड था उनका और वहां से जंप करना था सलमान यूसुफ के ऊपर. अच्छा तो मम्मी मुझे लेके खींच के लेके गई रिहर्सल के लिए कि कुछ होना नहीं चाहिए. लेके गई तो यहाँ पे जितने भी वो जो नहीं होते ऑन फ्लोर जितने भी रहते हैं ऑन फ्लोर मैनेजर जो होते हैं वो ढूंढ रहे कार्तिकी कहाँ है कार्तिकी किधर कौन लेके गया. फिर वो लेके आए मुझे और कौन लेके गया था कार्तिकी? मम्मी को पता नहीं कोई आपकी टीम में से ही था. तो मम्मी को इतना हमेशा से स्टार्टिंग से इतना टेंशन रहा है मुझे लेके कि ये सब परफेक्ट होना चाहिए और पहली बार है तो वहां पे बहुत चीजें संभाला है वैसे सब. फिर अवार्ड मिला तो और काफी बड़ा और कलर्स बहुत था कलर्स का ही तो अवार्ड मिल रहा है मुझे उसी शो के. और मेरा पूरा जितना भी क्रू था जितना भी कास्ट थे सब बैठे थे टीम, पूरा टीम जितना ए टू जेड टीम था प्रोडक्शन वाले एक्टर्स फिर मेरे प्रोड्यूसर्स उनके सामने मुझे उन्हीं के शो का अवार्ड मिल रहा है तो इससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती. पॉइंट तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे मुझे. तो इतने इतने सारे कब से 7-8 साल तो हो गए इस इंडस्ट्री में तुम्हें? अभी मुंबई में आपके पास अपनी गाड़ी भी होगी अपना घर भी ले लिया होगा. अभी अभी जस्ट लिया है. कितने का? ये सवाल बनता है कितने का? 3 CR 2 CR 3 CR देखो 3 CR मतलब 12 साल में
बहुत पैसा कमा लिया है तुमने है तो अभी इंडोनेशिया से एटलीस्ट इंडोनेशिया से बहुत अच्छा पैसा कमाया है आपने। करेक्ट। कितने बार गए हो? दो या तीन? तीन बार। दो बार तो मेरे साथ कर लिया तुमने। दो बार तो मेरे साथ किया है, एक बार मुंबई में, एक बार इंडोनेशिया में। और ये चार पांच बार हो जाता अगर ये कोविड ना आता। हाँ, कोविड नहीं आता तो पांच या छह बार हो सकता। वो तीन सीआर वाला अगर पांच सीआर का होता हो सकता था। तो मतलब पैसा अच्छा कमाया कार्तिक ने। हाँ। अब ये बताओ, भोपाल से मुंबई, मुंबई से इतने सारे शो, अब इतने सारे शो करके आपको पॉडकास्ट अड्डा में आके कैसा लग रहा है? मैं पता बचपन से सपना था मेरा पॉडकास्ट अड्डा तो आऊंगा मैं। कभी सोचा था ऐसा? बचपन से सपना था भाई मेरा। आप लोग जब सोच भी नहीं होगे ना कि शो बनाना है, तब से तो मेरा सपना था आना। जब हम घर बैठ के इनका इंडिया बेस्ट ड्रामे पास देख रहे होते हैं तब ये सोचे थे मैं पॉडकास्ट अड्डा में जाऊंगा गौतम एंड पुलकित के साथ 2023 में 22 में। वो गौतम भाई मुझे टीवी पे देख रहे हैं, पुलकित भाई टीवी पे देख रहे हैं, इनके साथ जाना एक दिन पॉडकास्ट। वो सपना था भाई, पूरा हो गया ना? पूरा हो गया। जो आप पेमेंट हमारी आज से ये देखो जैसे ड्रामे बाज नहीं किया था। तो अच्छा लग रहा है यार हमारे साथ, आप मजा आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है आप लोग एक ट्रेंडिंग चीज लेके आए। हम स्टार्टिंग में भी ये बोल रहा था ट्रेंड में आजकल पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट में लोगों को देखने को मिलता है, सिर्फ ऑडियो नहीं। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी चीज है हम लोग की जो बातें हो रही है। वैसे इतने शो किए तुमने, उसमें भी तो तुम्हारी अच्छी होती है। हाँ, कोई तो पसंद आ रही है। ये तो बाप रे कितने रहे अभी को एक्टर जो मैं चंद्रगुप्त कर रहा था, तो शी वाज 27 आई वाज 17। क्या होता था कि उस टाइम ऐसे रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं, और मेरे गंदी आदत रोमांटिक सीन अब भी खत्म हुआ बोले हाँ दीदी ये सही है। वो सोचते मैंने क्या कर दिया यार। मतलब तुम्हारे साथ उनके सीन होते थे क्या ऐसे? हाँ हाँ, दीदी बोल देते थे। हाँ, तो अंदर कुछ हार्मोन्स बोलते हैं। किस टाइप के रोमांटिक सीन करते थे वो लोग? वही जैसे हग करना है या जैसे अभी रोमांटिक सीन होता है भाई टीवी के लिए, तो अलग वे में ना, अलग वे बहुत देर तक 2 मिनट तक हग करके राउंड रोली घूम रहा है, बिल्डअप है सब कुछ। फिर उसके बाद अगर मैं कहीं से गिरा, फाइट चल रहा, मैं गिरा तो दोनों रोल हो गए रहे। तो कौन थी वो? प्रणाली घोगरे करके थी, तो मतलब थी क्या अभी भी है। तो रोमांटिक मम्मी वहीं पे होती थी वो सीन करते थे। मम्मी बोलती नहीं बेटा कुछ उल्टा ना सोचना। नहीं मम्मी क्या बोली, ये सब में चलता है प्रोफेशनलिज्म इस इंडस्ट्री में, बस बाद में दीदी बोलना है। अच्छा, सब कुछ हो जाए बाद में दीदी दीदी बोल लेना है बस खत्म। दीदी बोल बड़ी है तेरे से, दीदी बोल, दीदी बोल। मैं अरे मम्मी वही मना कर रही है, अरे दीदी बोल अपने तो संस्कार है ना, दीदी बोल। मम्मी तो लट लेके बैठी हुई है साले, हिल मत जा यार। क्या करूं भाई, यही जीवन है। तो आप जैसे तेरी एज है, सब बच्चे बच्चे हैं, यूथ तो आपके एज के बहुत सारे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा एक्टर बंदा इन्फ्लुएंसर या अच्छे अभी उसका अच्छा टाइम चल रहा है, जो आपके आपके यूथ काफी अच्छा कर रहा है, जो बहुत अच्छा चल रहा है, कौन है ऐसा? किसे काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, काफी अच्छी काम भी अच्छा कर रहा है, इसका टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, टाइम अच्छा चल रहा है, कौन है ऐसा? मेरे दोस्त है एक विशाल जेठवा करके, तो उनकी एक मूवी आ रही है अभी, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सलाम वेंकी करके काजोल नाम के साथ। उन्होंने भी स्टार्ट ऐसे किया, पहले बहुत कैमियोज वगैरह करते थे, और फिर उसके बाद उनको मर्दानी मिली, पहले मर्दानी में भी उतना एक्सपोजर नहीं मिला बिकॉज उनको दिखाना नहीं था स्टार्टिंग में, प्रमोशंस वगैरह नहीं कर पाते थे, बट उसके बाद फिर दिखा तो परफॉर्मेंस पर लोगों ने बहुत तारीफ की। वो जो उसमें जो विलन थे, चाय वाला, तो फिर उसके बाद उन इस चीज का भी अपना अलग ही स्ट्रगल है। वो फिल्म किया उस टाइम तक बहुत हाइप रहा,
बट फिर वही वो शूट में लग गए सलाम वंकी के. अब सलाम वंकी आ रही डेढ़ दो साल बाद, डेढ़ दो साल तो बीच में गायब हो गया, बीच में गायब हो गए. तो ये हम भले ही मान ले कि कितने ही बड़े हैं, उनका टाइम अच्छा चल रहा है, टाइम तो अभी अच्छा चल रहा है बिकॉज अभी फिल्म आ रही है, हालांकि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वही होता है कि अप डाउन सबका चलता ही रहता है ना. विशाल और देन अभी सिद्धार्थ भाई, अपने सिद्धार्थ भाई का अच्छा मिल गई है, सलमान भाई के साथ मिली कर उनका भी अलग ही, पहले से ही सलमान भाई का अलग ही है, तो फिर उनको भी अच्छा मूवी मिल गया है. तो आई फील अभी ये दोनों तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. जैसे आपने अभी बताया अप डाउन सबकी लाइफ में था, आपके लाइफ में भी ऐसा फेज आया कोई कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब जब से स्टार्ट हुआ काम आपका? काफी बार आया, शनि के बाद आया, चंद्र दो महीने का गैप था बीच में क्या, बट फिर भी वो एक डाउट रहता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ आगे. दो महीना भी नहीं, एक्चुअली ज्यादा ही था. ओके, दो महीने तो मैं ऐसे पकड़ के चल रहा था लुक टेस्ट वगैरह वो सब मिला के, मुंबई छोटी तो हो ही जाती है, लुक टेस्ट हो रहे होते हैं कि ये मिलना है, तब हो जाती है, छोटी होती है. फिर चंद्रगुप्त खत्म हुए तो फिर कोविड वगैरह आ गया, बड़ा हार्ड टाइम हुआ, वो बहुत हार्ड टाइम था. तो फिर उसमें एक्चुअली मेरा यही रहा है कि मैं ना बहुत ही वर्कहोलिक हूँ, मुझे घर में बैठ के कुछ ऐसा लेजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है. पर वो टाइम तो ऐसा था उसमें तुम बाहर निकल कैसे मैनेज किया होगा वो तो पता नहीं कैसे, मैं तो कान खा गया, बहन और मैं बहुत लड़ते थे, मेरी माँ के कान खा गए हम दोनों. मेरी माँ ने कहा अब से तुम दोनों के साथ तो कभी नहीं रहूंगी, तुम दोनों अलग अलग ही ठीक हो. देखो वो टाइम ऐसा था किसी को आईडिया नहीं था कितना लंबा चलेगा, ठीक है, उस बीच कुछ नया ये सोचा करने के लिए कि चलो यार सोशल मीडिया अब ये ऐसी हम घर से भी कर सकते हैं, घर से कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आया था दिमाग में ऐसा लॉकडाउन के टाइम पे? उसी टाइम पे एक्चुअली तभी टिकटॉक भी चल रहा था, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पसंद किसी को नहीं था. पर टिकटॉक वाले आज भाई पैसा कमा के बैठे, बैठ तो गए, बट वही मेरी मॉम का वही फोर्स करती थी कि बनाना तो पड़ेगा, तुम्हें बनाना, अगर तुम्हें अपनी ऑडियंस से हमेशा कनेक्ट रहना है फैंस से तो सोशल बनाना पड़ेगा. तो तभी वो ज्यादा बनाना चालू किया मैंने, पता चला बंद हुआ मेरे से ज्यादा नाचने वाला कोई नहीं था. मैं सच बोल रहा हूँ, इस दुनिया में जितना मैं नाचा ना उस दिन जैसे ही बैन हुआ है, मैं आप बिलीव नहीं करोगे बेड की ये सब उखाड़ दिए, बेडशीट वगैरह आज से नहीं बनाऊंगा. दो दिन बाद पता चला इंस्टाग्राम रील आ गई, फिर दोबारा वही चीज. इसीलिए कभी भी ज्यादा खुश ना हो ना ज्यादा रो. तो जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर है हमारे इस पे भी आए थे शो पे, दो इन्फ्लुएंसर आए थे, तो वो भी महीने में 4 से 5 से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं. वो तो नॉर्मल है, बोलते हैं हम इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक पोस्ट डालने का 1 लाख 1.5 लाख इतना कमा लेते हैं. करेक्ट, मतलब कमाई का जरिया हो गया है ये. करेक्ट, तो आपको क्या लगता है ये ही चलने वाला है आगे या कुछ चीज? मुझे ऐसा फील होता है ये अभी और 2-3 साल चलेगा, उसके बाद फिर कुछ नया आएगा, फिर कुछ नए या तो खत्म हो जाएगा या तो नया आएगा. हाँ। नया ही आएगा वो, बिकॉज ये जो हम लोग जो एक्टर्स है वो कभी खत्म नहीं हो सकता. प्लेटफॉर्म दूसरा, इन्फ्लुएंसर लोग देख देख के कितना देख लेंगे, बट हम जो एक्ट करते हैं, हम जो टीवी शोज लाते हैं, जो सीरीज लाते हैं, फिल्म लाते हैं, उसमें कुछ कंटेंट होता है. वीडियोज में कोई कंटेंट होता है, गुड कंटेंट क्रिएटर्स भी है, बट वही है कि वो कब तक देखेंगे लोग. पर एक चीज और देखी होगी आपने, जो गुड कंटेंट क्रिएट करते हैं उनकी वीडियो इतनी नहीं होती है जितनी क्रिंज कंटेंट वालों की होती है ना. और पसंद लोगों को असल में पसंद है वही देखना, इसलिए तो उठती है बस वही. हाँ करेक्ट, वो लोग को पसंद है, पता नहीं क्या उसको खुशी मिलती है, बिल्कुल पता नहीं क्या है क्यों है. लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसा तो कमा रहे हैं, पसंद पैसा कमा रहे हैं उससे. पैसे कमाएंगे अभी तो कमाएंगे भाई, अभी कमाएंगे 2-3 साल कमाएंगे, कितना कमाएंगे. देखो दुनिया आज के टाइम पे बस पैसा, मुझे ऐसा लगता है लोग ना पैसे को ही सबसे ऊपर रखते हैं. मैं खुद रखता हूँ, नहीं रखना भी चाहिए पर ऐसा सबसे ऊपर. अगर आपके पास पैसा है तभी आपके पास क्रेजी हैप्पीनेस है, क्रेजी इमोशंस है, आप जो करना चाहो कर सकते हो. बट वही है कि अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट उड़ा के पैसा कमा रहे हो तो क्या मतलब है? अभी तो चलो तुम बहुत फेमस रहोगे, बाद में कोई इज्जत ही नहीं करेगा तो क्या मतलब है? मतलब लंबा जाना है तो ये भूल जाओ, लंबा जाना है तो ये भूल जाओ. तो कहने का मतलब क्या, हम भी बनाना छोड़ दें? नहीं नहीं, अभी जैसे मैं खुद बना रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद बनाता हूँ. क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अभी तक मेरे पास शो नहीं, मैं शो रहेगा आप देखोगे बिल्कुल बिल्कुल हट जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं अपने वो परफॉर्मेंसेस पे काम करूंगा, स्क्रिप्ट पे काम करूंगा, क्राफ्ट पे काम करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ. अभी कितने फॉलोअर्स है आपके, सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मेरे कुछ है 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स. 2.5 लाख, तो उसका रेवेन्यू कितना आता है लगभग? मुझे ना ये पूछना है, मिलियन में आपके व्यूज आते हैं
तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो? अगर पैसे तो लगाते नहीं होंगे तुम, एड वेड तो नहीं लगाता होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, लगते भी हैं, ब्रांड प्रमोशंस भी आते हैं। मैं अभी अभी कुछ एजेंसी से जुड़ा हूँ, तो वो लोग भी ब्रांड प्रमोशंस काफी लेके आते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए या कोई और। अभी हाल फिलहाल में मैंने G20 जो है उसका भी किया, तो ऐसे भी कैंपेन्स करता रहता हूँ। तो वही है कि मतलब 1.5-2 लाख व्यूज अगर आते हैं तो पता है यूट्यूब का बहुत कम रेवेन्यू है, इंडिया में कम है, बाकी हर जगह दुबई हर जगह कम है, बिकॉज यूट्यूब अपने पास रखता है 60% और हमें देता 40%, तो उसमें से 1.5-2 लाख कमाए तो खाली 9-10 हजार आएंगे बस, 1.5-2 लाख। अच्छा, तो 1-1.5 लाख आएंगे। ओ, ऐसा जा रहे मिलियंस में लेके जाओ, भाई को पैसा कमा के दो। हाँ, पॉडकास्ट ठीक है, मिलियंस मिलियंस में चाहिए, 5-6 मिलियन जाओ आराम से, 5 महीने की आपकी जो मेहनत है खत्म। एक एपिसोड पे पर एक एपिसोड पे इतना चाहिए अपने को, करेक्ट है ना, शेयर करना प्रमोशन होना चाहिए बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या प्लान है? आगे अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक जो माइथोस करता हूँ हिस्टोरिकली करता हूँ, अब मैं वो नहीं करना चाहूंगा, कुछ नया करना, कुछ वर्सिटैलिटी अपनी शो करने के लिए अब मैं कुछ नया करना चाहूंगा, सोशल पे जाना चाहूंगा, या तो फिर मैं सीरीज करूंगा, वेब सीरीज, और वो जो भी टीन्स पे आती है, अगर वो टीन्स, और टीन्स की ना बहुत स्पेसिफिक सीरीज बनती है, और वो बनती भी है ना, तो मुझे वो करने का बिल्कुल वो नहीं होता, लोग चलती भी बहुत ही कम बनती है, बहुत इंटीमेट भी होती है वो, बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट, बहुत इंटीमेट करने का मौका मिलेगा यार, क्या बात, अगर मौका मिले, मान लो अच्छी वेब है, नेटफ्लिक्स है, और उसमें डायरेक्टर डिमांड करता है, डायरेक्टर डिमांड करता है, भाई कार्तिक है आज तो चक दे फटे लब दे के लिए, है ना। वो एक टाइम पे वो भी करना ही पड़ेगा, एक टाइम पे क्या होता है, अभी 21 साल से पहले मौका मिल गया, मम्मी ने डायरेक्टर को बोल देना 21 साल के जीत रहा हूँ, अभी ये चीज करूंगा, पूरी वेब सीरीज शूट करवा लो, पर ऐसे नहीं 21 साल जीत रहा हूँ, उस दिन करूंगा मैं। अगर तुम्हें मौका मिल गया 21 से पहले तो क्या करोगे? करना पड़ेगा, काम है अभी अभी काम में कोई वो नहीं। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस क्रश जिसे बोल सकते हैं हम बॉलीवुड की, वैसे दो है, दीपिका पादुकोण है एक्ट्रेस में, और डांसर मुझे नोरा बहुत अच्छी लगती है। नोरा तो सबको, नोरा तो सबको वेब सीरीज है ना, डांस की बात कर रहा हूं अब, और कोई वे में नहीं जा रहा हूं मैं। अब वो वेब सीरीज नूरा फतेही है उसमें आपके साथ, जिसके साथ आपको इंटीमेट फिर तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों भाई? क्यों भाई? 21 के नहीं हो आप, 21 के हो नहीं, ठीक है, इंडिया से बाहर शूट हो रहा है अब, आप मम्मी भी नहीं है, फिर शायद घर करा के बता दो कि मम्मी था भाई अब करना पड़ा, मैं क्या करता, अब सामने क्रश है आपकी नूरा फतेही, नूरा फतेही और दीपिका दोनों है उसमें। देखा जाएगा भाई साहब, कर दो, मम्मी को तो मना लूंगा जैसे तैसे, मम्मी एडिटिंग है, मम्मी मैं नहीं था ये, मम्मी एडिटिंग कर, मम्मी स्कैम हो रहा है मेरे साथ, स्कैम तो भी हो रहा है यार मेरे साथ। देखो आप लोग जो बोल रहे हो ना, इसे कहते हैं फैंटेसी, फैंटेसी हमें नहीं मिल सकती है, मतलब है फैंटेसी उसी अब मिल रही है वो, इसके नहीं हो, सुनो मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, कहते हैं कि मैंने तुम्हें कास्ट किया है, ठीक है, ठीक है, मेरे आपके अपोजिट में दीपिका है और वो है नूरा फतेही अली, है ना, तो आपको एक सीन करना है, बस्त वाला सीन, इंटीमेट सीन दोनों के साथ, ठीक है, ऐसे एक साइड में नोरा, इंडियन डेल बिल्जेरियन बन गया, वाह। तो क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे? मुझे लगता है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्यों वो करेंगे फिर? मुझे बांध दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे भाई शेट, वो बना दे, आपकी फैंटेसी कौन सी फैंटेसी है भाई? ये इसके अंदर की अंदर की भावनाओं को प्लीज आप, भाई मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ उसको, उससे कैसे आप निकलोगे? ये सिचुएशन तुझे दे दी, क्या करेगा वो? पहले आप बताओ आप क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप क्या है, एक बात बताता हूँ, आपकी मम्मी आपके साथ स्टार्ट से रही नहीं है, रही है, साथ में निकलने नहीं देते भाई, सच बता रहा हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता है,
अब बताओ तुम क्या करोगे दोनों करेंगे, बोल तो दिया करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, डायरेक्टर की डिमांड है और काम पे काम काम ही कर्म है उसे कैसे छोड़ देंगे भाई। अच्छा आप एक बात तो आप मेरी एज में होते फिल्म भी करता है। अरे यार ये कैसे लोग हैं यार, अब आप बताओ अब आप बताओ ये वही करेगा ये बराबर क्या बोलो कर भी लिया कहां नूरा पता ही कहां ये बंदा बड़ा पड़ा है अंदर से तो दिख के आ रहा है जो अंदर का उजाल है ना, अंदर का ज्वालामुखी फट रहा है दिख रहा है आंखों से बाहर आ रहा है। चलो ये तो करेगा अच्छा। आप बताओ अब फंस चुके भाई साहब चारों तरफ से क्या हथियार गिरने का ऑप्शन ही नहीं है हथियार मैं तो मुझे लगता है नहीं कर पाऊंगा चाहे हाथ जोड़ लूंगा यार देखो देखो मेरी ऐसी फैंटेसी नहीं है और अगर मैं आया भी ऐसा सीन सॉरी बोल के चलो आपको एक और ऑफर दिया दीपिका हटा दी सिर्फ नोरा है तब शायद और ये भी बोल दिया चलो कि ये आप सीन कर लो पर हम मूवी में डालेंगे नहीं हटा देंगे अब क्या करोगे ये तुम्हें एडिट करके दे देंगे एंजॉय कर भैया देखो आप एक बात बताओ ये पॉडकास्ट आप नेटफ्लिक्स पे डाल लो यूट्यूब पे डाल लो ये कंटेंट म्यूट हो जाएगा पहले ही बोल रहा हूँ कंटेंट म्यूट नहीं होगा हमने कुछ गलत नहीं बोला है ना गाली दी है ना कुछ बस बात है देखो समझने वाले समझ जाएंगे वो तो सब समझ रहे हैं यहाँ सब हंस रहे हैं क्यों हंस रहे हैं सबको समझ में आ रहा है मेरी माँ को समझ में आ गया ना इन बिचारों का दिन बन गया अब बाई चांस आगे फ्यूचर में कभी नूरा के साथ इन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल गया ना इस पॉडकास्ट के बाद मम्मी जाने नहीं देगी मम्मी बता करेगी ब्लॉग लिस्ट में आ गई नूरा पति का दीपिका हमसे अरे ये सब मम्मी को तो पता ही नहीं है पांच महीने बाद मैं देखने नहीं दूंगा ये पॉडकास्ट मम्मी को मम्मी के अकाउंट से पॉडकास्ट अड्डा को ब्लॉग अनसब्सक्राइब मैं नहीं देखने दूंगा मम्मी बोलेगी अरे वो तो उस दिन गया था गौतम फिर मम्मी से भाई प्लीज आप नहीं मत देना प्लीज मैं तुझे ही दूंगा बस तू देखियो नूरा के साथ जी अच्छा बोला हमने हम डिलीट कर देंगे माता जी देखो मैं तब भी नहीं करूंगा डिलीट करेंगे तब भी नहीं मैं प्रोड्यूसर तो मैं ही दे दूंगा तुझे डिलीट करके तो कार्तिक भाई स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ठीक है ठीक है। और अगर आपने फटाफट और कोई डिप्लोमेसी नहीं रखी इन आंसर्स में हाँ। तो आपको मिलेगा नित्यार्णा फार्म्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर ओ yes! तो करना जीतना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी जवाब देना और सही जवाब ठीक है फट तो स्टार्ट करते हैं एक से दस के बीच में अपने आप को कूल में कितने नंबर देते हो 9.5 ओहो हाफ कहाँ गया अरे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना सर कभी पेरेंट्स के पर्स में से पैसे निकाले हैं सॉरी कितने 500 कब जब मैं छोटा बच्चा था कहीं पब्लिक में पी किया है पब्लिक में पी हाँ किया कहाँ पे रोड पे कौन सी हाईवे पे उम्र का जाते जाते कर देते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आप पहले नोटिस करते हो फीमेल से मतलब अपोजिट सेक्स में मतलब फीमेल में आंखें आईज आपको अट्रैक्ट करती है सबसे पहले वही नजर ही जाती है यस कुछ आप लोग के जैसा नहीं हूँ नहीं हमारी भी आंखों के जैसा कभी ऐसा क्रिंज कंटेंट बनाया बस व्यू के लिए हाँ बनाया ओके आपका प्लेन क्रैश होने वाला है सिचुएशन है आप किसे चाहते हो आपके बराबर में बैठा मतलब लास्ट मोमेंट है ऐसा कोई और किसको आप चाहते हो कि आपके बराबर में बैठा हो लास्ट मोमेंट पे मम्मी कभी ये नहीं और एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या नहीं नहीं नूरा फतेही आया तो बोलने के लिए कभी गे ने एनकाउंटर किया कभी गे ने पकड़ा है हाँ इंडोनेशिया में देख लो क्या ना क्या चाहते हो कौन था वो बहुत थे अच्छा और आप सिर्फ व्यूज के लिए कभी क्रिंज कंटेंट बनाने के लिए रेडी हो गए कि यार व्यू तो इसी पे आते तो मैं क्रिंज कंटेंट ही बनाऊं क्यों मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं अब तो सिर्फ व्यूज के एक बार किया था अब नहीं व्यूज आए थे
बहुत कितने कुछ आए थे 5-6 मिलियन फिर क्यों नहीं चांस मिल रहा है यार कंटिन्यू आपको बट फिर भी यू नो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला क्रिंज से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाता है तो मतलब है एक अलग कैटेगरी में आ जाएंगे तो रील्स और यूट्यूब किसको चूज करते हैं यूट्यूब अब क्या आपको कभी किसी ने बाय मिस्टेक कैसे भी आपको गे बोला है बहुत लोग बोलते हैं इसके रीजन देते रीजन मेरे जितने भी दोस्त है कल भी मुझे बोल रहे थे तो तेरी गर्लफ्रेंड है नहीं है अच्छा वो इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं है तो नहीं है हाँ मैंने कहा गर्लफ्रेंड नहीं तो गे ये क्या बात हुई भाई बताता हूँ मिल तू अरे पर लड़कियां पूछती है ना तो ये थोड़ा ना बोल सकता हूँ कोने में चल बताता हूँ लड़की अपना वो कोने में चल बताता कार्तिक अच्छा कभी तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे जूते चुराई हो ले लियो और रिटर्न ना दियो ऐसा कोई है है नाम बता दो इतने जोड़े जूते आप कैसे गायब हो चुके आज तक तो एक ही हुआ है एक ही हुआ है वापस ही नहीं दिए वापस ही नहीं दिए लेना चाहोगे मेरा भाई है मेरे मामा का बेटा अच्छा तो चलता है वो तो अपने घर की बात हो गई हां एक्ट्रेस में कौन है तुम्हारा फीमेल क्रश और मेल क्रश दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह सच में नहीं तो पति पत्नी है हां इसके लिए तो बोल रहा हूं आपके होर्डिंग Instagram और YouTube पे किस तरह का कंटेंट काम करता है मतलब आगे बढ़ने में हेल्प करता है किसी कंटेंट क्रिएटर को मेरे आपके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग कॉमेडी कंटेंट मोस्टली या रिलेटेबल कंटेंट ये हमेशा ट्रेंड में रहता है हाँ बिकॉज़ ये लोग इससे रिलेट कर पाते हैं ना जैसे हम कॉलेज लाइफ जैसे मैंने बोला तो लोग यूथ उससे रिलेट कर पाते हैं वैसे और अगर आपको कोई सुपर पावर मिले किसी भी एक्टर सेलिब्रिटी के घर में जाना है उसके सीक्रेट जानने तो कौन होगा वो नोरा फतेही मुझे जानना उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं उससे क्या मतलब अगर हुआ अभी पीछे काफी हाईलाइट हुआ था उसे मुझे पता थे जानना है और बस बॉयफ्रेंड ही जानना है और कुछ नहीं जानना बस ज्यादा नहीं जानना पता चला कि चलो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है उसके बाद क्या क्या नेक्स्ट स्टेप होगा आपका अब भाई आपका ही आपकी क्यूरियोसिटी है कि उसका बॉयफ्रेंड है नहीं है पता चलिए नहीं है अगर होगा चलो भाई वरना पत्ता अब नहीं मतलब अपना रास्ता तब मैं फिर जब 27-28 तक आ जाऊंगा फिर हम बन जाएंगे पत्ता पत्ता को 40-50 की हो चुकी है चलेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबूजी सब चलेगा और अगर आपको सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक चीज चेंज करने का मौका मिले उसको अच्छी करने के लिए आप क्या चीज चेंज करोगे क्रिंज कंटेंट हम लोग जो भी चीजें आजकल हम देख रहे हैं अब आप देखेंगे हसल आया तो उससे रैप बहुत बूम पे चल रहा है मैं खुद आजकल रैप उस शो को देख के बहुत सुनने लगा हूँ अभी यही होता है हम बाहर से चीजें अपनाते हैं अब वो कितनी लंबी चलेंगी वो हमें नहीं पता ये है बाहर चल रही है इतनी बाहर चले ना चले हो सकता है बट वही देखते हैं फैंटेसी क्या है फैंटेसी तो वही है कि जो कि फैंटेसी ऐसा नहीं है ना सच नहीं हो सकती सच हो सकती हां सच हो सकती वही खुद का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोलना यशराज से भी बड़ा और उसमें आप लोग को कास्ट कर अरे हमारे अपोजिट में नोरा फतेही ये नोरा फतेही को भेजेंगे वीडियो जो अभी हमने क्वेश्चन करा था वो अपोजिट हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा मेरे अच्छा बात तो आप लोग अगर को ऐसा सुपर पावर मिल जाए सीक्रेट तो आप बताओ पहले आप बताओ आप ऐसा क्या किसके घर में घुस के या ऐसा घर में घुसना है कुछ भी करना है घर में घुसना है और कुछ नहीं करना है खाली देखना है अच्छा देखना है तो मैं जाऊंगा शाहरुख खान के क्या करोगे कुछ थोड़ी करना है अगर मना कर दे कुछ करना ही नहीं है तो करेंगे यार शाहरुख खान को देखेंगे उसका स्टारडम देखना है एक्चुअली ये भी मेरी वन ऑफ द फैंटेसी है 2 नवंबर को जो बाहर निकलता है ना वैसे मैं अभी 3 नवंबर के बाहर निकलूं अपनी गैलरी से आपको एक चीज बताए हमने यहाँ पे जितने हमारे पास गेस्ट आए हैं ना सबसे हमने क्वेश्चन जरूर किया क्या सबका आंसर मतलब दो ही थे एक तो सलमान खान शाहरुख खान तीसरा
कोई था ही नहीं ऑप्शन में। तीसरा है ना नोरा फतेही, अभी भाई का है नोरा फतेही। कुछ तो लो चाहे नोरा फतेही, वो सपना पूरा होगा जल्दी 27 पे। वो नाम फिर भी चलेगा, बट जैसे दूसरा वाला बोला है ना मैंने, सलमान खान कौन सा, नहीं नहीं ये जो एक्चुअली जो फैंटेसी ना, हाँ एक्चुअली मुझे यही चाहिए, जो 2 नवंबर को इस बार वो जो निकला था, इस बार और डबल भीड़ थी, 3 नवंबर को मुझे वही देखना है। तुम हो थर्ड को, तुम्हारा थर्ड मेरा बर्थडे है तो हम आएंगे नीचे सबसे पहले, नोरा फतेही को बुक करो रे। अरे और सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पर्सनालिटी जिससे आप सच में इन्फ्लुएंस होते हो? हाँ। कि यार अच्छा कर रहा है और मुझे भी करना चाहिए, जो भी इन्फ्लुएंस होते हो आप उसके काम से? क्रिस्टियानो को बहुत मैं देखता हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके। तो उससे मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, और तो वही वो बहुत उसका माइंडसेट बहुत अच्छा है। किसने तुम्हें अपसेट किया लास्ट? मम्मी नहीं, हम लोग के झगड़े बहुत होते हैं। लास्ट कब रोए थे आप? लास्ट कब रोया था? एक्चुअली मेरा रिसेंटली नाना की डेथ हुई, मतलब हो गया अभी टाइम, हो गया काफी 7-8 महीने। ओके। तो तगड़ा था। व्हाट्स चैलेंज यू? व्हाट इज चैलेंज मी टू डू डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट एंड प्लेइंग डिफरेंट पर्सनालिटीज, एक ही शो में अगर हो तो और अच्छा, और ज्यादा चैलेंजिंग है। इंडस्ट्री का डॉन कौन है? किस मतलब जिसकी चलती है, मतलब जैसे होता है ना नाम चलता है इस सलमान भाई का नाम चलता है, और कौन है टीवी इंडस्ट्री में? अच्छा टीवी में जो लगता हो कि सिर्फ वही वाला हो रहा है इनका भी। आई थिंक नकुल मेहता अभी बहुत चल रहा है, जिनका भी बड़े अच्छे लगते हैं, चल रहा है सोनी पे। एक्टर है क्या? हाँ भाई नकुल मेहता। अच्छा उनका चल रहा है। हाँ। कल आपको चांस मिले ओपन सेक्स ऑन बीच, ओके, एंड नो नट्स फुल ईयर, नो नवंबर फुल ईयर, क्या चूज करोगे? देखो पहले तो आप ऑडियंस को बता दो जो सेकंड बोल रहे हो उसका क्या मीनिंग है। पूरे साल कुछ नहीं करने का। हाँ तो सेकंड बोल रहे हैं कुछ नहीं करने का, रेस्ट ले लूंगा, कोई शो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलेज भी जा नहीं रहा हूँ, बस ये सेकंड। बड़ा अच्छा जवाब दिया। बड़ा स्मार्ट आंसर दिया है, मतलब लपेटते बड़ा अच्छा है। लपेटते बड़ा अच्छा है वो। फेमस होने के बाद इंडस्ट्री में इजीली फन मिल जाता है? मिल जाता है आराम से। कितने बार मिला है? मैं यार ये बंदा क्या है, इनकी आंखों में ये सब क्या भरा हुआ है? क्यों दिल्ली से है ना कार्तिक भाई, क्या मजा आया, सवाल का जवाब तो आपने दिया है नहीं, है ना भाई? एपिसोड खत्म करने का मन तो था नहीं, मैं भी नहीं, है ना। जितने मजे इस पहला हमारा पॉडकास्ट ऐसा हुआ जिसमें हम इतने हंसे हंसे हैं, हमारे पीछे पूरी टीम हंसी, मजा आया नहीं आया सबको? मजा आया ना? हाँ बोल दो बस। हाँ बोल दो। हाँ देखो हाँ देखा, खुद बोला, हमने नहीं बोला। सच में बहुत मजा आया। तो आपको मिलता है हमारी तरफ से, अरे वाह, ये आपने जो फटाफट जवाब दिए ना, अच्छे अच्छे उसके लिए मिलता है आपको फार्म्स की तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इतना आसान है के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, तो बड़ा मजा आया और बहुत सारी पोले भी खोल दी मेरी। देखते हैं अब इसके बाद रिएक्शन क्या होता है मेरे घर में। कैसा लगा हमारे शो पे आके? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मजा आया, और मैं तो देख ही रहा था आप लोग का पहले से ही कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आ रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यूज ले रहे हैं, बट मुझे लगा कि मेरी बहुत ज्यादा ही मुझे अच्छा इंटरव्यू लिया है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, और आई होप आप लोग को मजा आया होगा। और मैं बाकी सब सेलिब्रिटीज जो भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि यहाँ पे आओ, बहुत मजा करवाते हैं ये दोनों और बहुत मजे लेते भी हैं, तो ऑडियंस को बहुत मजा आता है इन शॉर्ट। तो प्लीज आइए और सब्सक्राइब करिए पॉडकास्ट अड्डा के चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको दिखते रहे, नोटिफिकेशन आते रहे, और मजे करते रहो और पॉडकास्ट अड्डा देखते रहो। हमारे चैनल पॉडकास्ट अड्डा को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में नए सेलिब्रिटी के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, लव यू, चक दे फटे। देखो आप लोग मत बोलो, मेरी माँ भी देख रही है यार, मेरी गर्दन कट जाएगी। हाँ चलो ये गंदी बातें, अच्छी बातें नहीं, अच्छी बात है नहीं, हाँ अच्छी बातें नहीं करेंगे।